सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वी आर स्टार्टिंग अवर अकाउंटिंग बैच टुडे. ओके, सो इट विल बी अराउंड 30 क्लासेस बैच. अगर मैं मोर और लेस थोड़ा सा कैलकुलेट करूं, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, दैट इज अप्रैल, एंड इट विल कॉन्टिन्यू टिल एंड ऑफ मे. सो वी हैव बेसिकली 2 months टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स. स्टिल हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो. तो अगर किसी स्टूडेंट ने कहीं पर भी कोई क्लास ली ही नहीं है और वो सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स आज ही से स्टार्ट कर रहा है, स्टिल देयर इज नो नीड टू वरी. हम बिल्कुल स्क्रैच से करेंगे और आपके एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी के हिसाब से पूरा कोर्स टिल द एंड ऑफ मे वो कैलकुलेट या कंप्लीट हो जाएगा. तो अगर आप यहां पर देखो, 2 months इक्वल टू 60 days, 60 days डिवाइडेड बाय 2 इज अराउंड 30 क्लासेस. तो 25 to 30 क्लासेस के अराउंड हमको सारा का सारा कोर्स कंप्लीट करना है. मैंने उसी के हिसाब से स्ट्रेटेजी यहाँ पर प्रिपेयर की है कि हम उसको कैसे कैसे स्टार्ट करेंगे. आप में से कौन कौन ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आइदर थ्रू लाइव क्लास और थ्रू गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव ऑलरेडी क्लासेस स्टडी की हुई है? ओके, अराउंड 60-70%. और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, मैं ये अज्यूम करूं कि उन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा कहीं से भी, या फिर उन्होंने कहीं और से कुछ ना कुछ पढ़ा है, एंड दे वॉन्ट टू रिवाइज देयर एंटायर कोर्स इन दीज 2 months. यस, आप लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा. ओके, गुड. सो नेवर द लेस, अगर आपने नहीं भी पढ़ा, इट वॉन्ट मैटर फॉर मी, मेरे लिए कोई खास मैटर नहीं करता. अगर आप इन डेज में भी थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई रखोगे, रीजन बिंग कोर्स तो हमें 2 months में कंप्लीट करना है, सो देयर मस्ट बी अ नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट फ्रॉम यू. हमको यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट ट्रैक लेवल पे चलना पड़ेगा. एज दिस बैच नेम सजेस्ट, इट्स अ फास्ट ट्रैक बैच, बट इट डजेंट मीन कि यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हम ओवरराइड करेंगे. कॉन्सेप्ट सारे के सारे डिलीवर होंगे, बट कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एज अ होमवर्क दिए जा सकते हैं, विच यू हैव टू डू इन योर होमवर्क. ऑल राइट, तो सबसे पहले मैं आपको ब्लू प्रिंट बताता हूँ अकाउंटिंग पेपर का, जिससे आपका माइंड सेट वर्क करेगा कि किस तरीके से आपका अकाउंट्स का पेपर एग्जाम में पूछा जाता है. तो इसको आप साथ साथ नोट करना स्टार्ट करो, फिर हम देखेंगे कि आज हमको कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है. अगर 25 to 30 क्लासेज हैं तो यूजली आई हैव 2 or 3 क्लासेज पर टॉपिक. आई हैव अराउंड 2 or 3 क्लासेज पर टॉपिक. अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो उसके लिए 3 क्लास, अदरवाइज एवरेजली हर एवरी सेकंड क्लास में हम एक टॉपिक को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे. ओके, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं विच यू हैव नेवर स्टडीड इन 11th नॉर यू हैव स्टडीड इन प्लस 2. तो जो बिल्कुल न्यू टॉपिक्स हैं उसको हम थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे, और जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी अपने स्कूल लेवल पे पढ़ चुके हो, लाइक बैंक रिकंसिलेशन और फाइनल अकाउंट्स रेक्टिफिकेशन, जिसका आपको एक बेस पता है, इतना तो पता है कि किस किस तरह के एरर होते हैं, उसमें क्या करना होता है. अगर उसमें आपको कुछ टेक्निकल डाउट्स है, नो इश्यू अबाउट दैट, वो तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, क्या नहीं होता, वो सब हम डिस्कस करेंगे. पर एटलीस्ट आपको ये तो पता है कि सस्पेंस अकाउंट नाम की कोई चीज होती है, मेरे लिए उतना ही इनफ है. ओके, एरर ऑफ ओमिशन एक चीज होती है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें हमें पता है, तो उतना ही मेरे लिए इनफ है. और बाकी हम सब चीजें इस पूरे बैच में क्या करेंगे, कवर कर लेंगे. साथ में कुछ छोटे छोटे से टेस्ट भी होंगे, और कुछ टेस्ट में बिल्कुल क्लास के ही लाइव एनवायरमेंट में लेता हूं, जिसको हम बोलते हैं लाइव टेस्ट. यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन आपको आफ्टर डूइंग दैट कॉन्सेप्ट, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी करा चुका हूंगा, आपको यहीं पर वो ट्राई करना है, चाहे उसका आंसर आए ना आए, इट डजंट मैटर. बट अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो अल्टीमेटली मान के चलना आप एग्जाम के क्वेश्चन को छोड़ रहे हो, क्योंकि अगर यहाँ पर आपके हाथ चलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके एग्जाम में भी चलेंगे. अकाउंट्स में दिक्कत ये आती है, हम खाली देख देख के जाते हैं, और देखने में अकाउंट्स बहुत अच्छा लगता है, अकाउंट्स देखने में बहुत अच्छा लगता है, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आती. दिक्कत आती है अकाउंट्स के क्वेश्चंस को करने में. तो अकाउंट्स के क्वेश्चन जब आप करने स्टार्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एग्जाम में भी कोई इश्यू नहीं आएगा. सही करो गलत करो मैटर नहीं करता, पर करना बहुत जरूरी है. कई बच्चों को दिक्कत होती है, सर हमने न्यू रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, वो खराब हो जाएगा अगर हमारा क्वेश्चन गलत हो गया. डोंट वरी, आप साथ में रफ रजिस्टर कैरी करो, तो जब भी मैं लाइव टेस्ट में क्वेश्चन आपको दूं आप उसमें सॉल्व कर सकते हो, फाइन. बट अगर आप फेयर में भी कर रहे हो, इनकेस वो रॉन्ग भी हो जाते हो, डजेंट मैटर, आप उसको काट के दोबारा से सॉल्व कर सकते हो, और क्योंकि वो क्वेश्चन मैं आपको उसके बाद यहां पर भी सॉल्व कराऊंगा. फाइन, तो फटाफट से पहले हम ब्लू प्रिंट लिखते हैं, दैट इज एग्जाम पैटर्न, एंड देन वी विल मूव टू द सम न्यू टॉपिक. एग्जाम पैटर्न, हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विल बी कंपलसरी क्वेश्चन, जिसको आप बिल्कुल भी लीव नहीं कर सकते. अगर आप इसको छोड़ते हो तो आप अपने मार्क्स को छोड़ रहे हो. ये बिल्कुल बिल्कुल कंपलसरी क्वेश्चन है, एंड इट विल कम फॉर 20 marks. इट विल कम फॉर 20 marks. इसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उस पर हम बात करते हैं.
इसका जो ए पार्ट होगा दैट इज फॉर ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन, यहां पर आपसे ट्रू और फॉल्स पूछे जाएंगे। सर ये क्या पर्टिकुलरली किसी टॉपिक के होंगे? आंसर इज नो, ये किसी भी कोई पर्टिकुलर टॉपिक में से हो सकते हैं, बट इसके लिए कोई स्पेसिफाइड चैप्टर नहीं है कि ये बैंक रिकंसिलिएशन में से ही होंगे या इन्वेंट्री में से ही होंगे या कंसाइनमेंट में भी में से ही होंगे। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। ये पूरी अकाउंटिंग में कहीं से भी आ सकते हैं, ये पूरी अकाउंटिंग में कहीं से भी आ सकते हैं, और यहां पर खाली आपका गैस वर्क नहीं चलेगा कि हमने ट्रू बता दिया फॉल्स बता दिया, यू विल गेट 0 मार्क्स। आपको उसके साथ उसका रीजन भी बताना पड़ेगा, और रीजन अप्रोप्रिएट होगा तो ही ट्रू या फॉल्स की वैल्यू है, विदाउट रीजन देर इज नो मार्क्स। ओके, तो आपको रीजनिंग भी प्रॉपर देनी है कि ये ट्रू है तो क्यों ट्रू है, या फिर फॉल्स है तो ये क्यों फॉल्स है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज सम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होते हैं, जैसे मैंने आपको आपसे पूछा कि टाइप्स ऑफ एरर्स वो पूछ सकते हैं, डिफाइन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, तो इन टाइप के भी क्वेश्चंस इसके अंदर आ सकते हैं जिसको हम थ्योरी पैटर्न के अंदर कवर करेंगे। एंड सी पार्ट, इट कैन बी थ्योरी और इट कैन बी प्रैक्टिकल टू, इट कैन बी थ्योरी और इट कैन बी प्रैक्टिकल टू टू पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो 8 मार्क्स का होता है, देन 6 एंड 6, तो आप मान के चल सकते हो अराउंड 14 मार्क्स का तो यहां पर आपको थ्योरी का पेपर करना ही पड़ेगा, चाहे इसके अलावा पूरे पेपर में आपको थ्योरी ना करनी पड़े। ओके, तो ट्रू एंड फॉल्स की हम प्रिपरेशन सबसे एंड में करेंगे, रीजन बिंग इसके लिए हमको चैप्टर्स की नॉलेज होनी चाहिए, विदाउट नोइंग एनी चैप्टर हम इसके ऊपर जा ही नहीं सकते। ट्रू फॉल्स सब चैप्टर्स में से मिक्स आएंगे, तो अगर मैं आज ही स्टार्ट कर दूं तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। कोई क्वेश्चन होगा गुड्स एंड अप्रूवल का, कोई होगा इन्वेंट्री का, कोई किसी और चैप्टर का होगा, तो हम उसको जज ही नहीं कर पाएंगे। फाइन, देन क्वेश्चन नंबर टू। टू क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये सारे क्वेश्चंस भी 20 मार्क्स ईच के ही होते हैं। ओनली डिफरेंस इज यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस। आपको खाली यहां पर 4 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चंस में से, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए, 5, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। तो यहां पर आप कोई भी एक क्वेश्चन जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो आप उसको बिल्कुल बिल्कुल छोड़ सकते हो, उसके लिए आपके मार्क्स जो हैं बिल्कुल डिडक्ट नहीं होंगे। ओके, और ये क्वेश्चंस किस किस पैटर्न के होते हैं? क्या इंडिविजुअल क्वेश्चन कोई 20 मार्क्स का आएगा, या क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स होंगे और पार्ट्स होंगे तो किस तरह से होंगे उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। या तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न आएगा 12 एंड 8 मैनर में, ए पार्ट फॉर 12 मार्क्स, बी पार्ट फॉर 8 मार्क्स, या फिर वो 10+10 मोड में भी आ सकता है, 1 पार्ट फॉर 10 मार्क्स, अनदर पार्ट अगेन फॉर 10 मार्क्स, या फिर वो 10+5+5 मैनर में भी आ सकता है, या फिर वो एक ही क्वेश्चन 20 मार्क्स का भी आ सकता है, नो डाउट अबाउट इट। और लास्ट कुछ एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन 20 मार्क्स के भी आए एज इट इज। वो किन चैप्टर में से आ सकता है ये मैं आपको चैप्टर के साथ साथ बताता रहूंगा, जिससे आप उस चैप्टर को थोड़ा सा और फोकस से करो। कुछ चैप्टर्स हमारे कोर्स में ऐसे हैं जिसका स्ट्रेट अवे क्वेश्चन भी 20 मार्क्स का आ सकता है। ऑल राइट, मोर और लेस यही सब पैटर्न्स के हिसाब से क्वेश्चन होते हैं, 12, 8, 8, 12, 10, 10, 10+5+5। ओके, तो ये तो हो गया ओवरव्यू अबाउट ओवर एग्जाम पैटर्न जो अभी हम जून में देने वाले हैं, बहुत टाइम दे दिया इंस्टीट्यूट ने हमें। ओके, इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है वो किस हिसाब से डिवाइडेड है। हमारा कोर्स स्ट्रक्चर बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज प्लस वन वाला लेवल जिसको हम 11th भी बोल सकते हैं, अनदर इज प्लस टू लेवल जिसको हम 12th भी बोल सकते हैं, एंड लास्ट इज दीज आर न्यू चैप्टर्स स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर सीए फाउंडेशन। तो बताओ जी मुझे न्यू चैप्टर्स कौन कौन से आपके कोर्स में, मेरे को नंबर्स नहीं पूछने, मेरे को नेम पूछने। कंसाइनमेंट इज अ न्यू टॉपिक, इन्वेंट्रीज, एवरेज ड्यू डेट एंड अकाउंट करंट, और गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, और बस ये चैप्टर्स हैं। देखो सीए फाउंडेशन में तो कुछ न्यू चैप्टर्स ऐसे हैं ही नहीं। ओके, खाली ये 4 चैप्टर्स हैं न्यू,
बाकी सब तो आइदर यू हैव स्टडीड इन प्लस वन और इन प्लस टू, वो बात अलग है कि उन चैप्टर्स में कुछ ना कुछ डिटेलिंग जरूर एक्स्ट्रा हो सकती है। प्लस वन की अगर हम बात करें कितने चैप्टर्स हैं या कौन कौन से चैप्टर्स हैं, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनल अकाउंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डेप्रिसिएशन, ये सब आपने क्लास 11th में पढ़े थे। एंड व्हाट अबाउट प्लस टू, कंप्लीट पार्टनरशिप यूनिट, एनपीओ इज अगेन इन 12th क्लास, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ऑल्दो यू हैव ऑल्सो स्टडीड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, बट वो सीए फाउंडेशन लेवल में नहीं है, वो सीए इंटरमीडिएट लेवल पे है। ओके, तो आपको वो वहां पर पढ़ना पड़ेगा। तो इतना से हमारा मोर और लेस कोर्स है, सारे चैप्टर्स यहां कवर हो गए। ओके, और बाकी तो कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, जैसे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ओके, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, वो सब चीजें हम पढ़ते हैं, वो तो थ्योरी हो गया। तो वो वाले क्वेश्चन भी आपके पहला क्वेश्चन के अंदर आ सकते हैं अगर आएंगे तो, बाकी एग्जाम में वो नहीं आपको कहीं पे भी दिखेंगे। हेलो, यस मैम, ओके, वॉइस नहीं आ रही आपकी क्लियर। हाँ बोलो। अच्छा, चलो ठीक है, बस मैं वही कर रहा हूँ। चलो ओके, ऑल राइट। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं किसी एक ऐसे टॉपिक से जिसका बेस और भी अपकमिंग टॉपिक्स पे आता है, तो उसको हमको सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। आई होप वो सब वो चैप्टर आपने जरूर पढ़ लिया होगा, दैट इज फाइनल अकाउंट्स। बट इसकी अब हम थोड़ी सी और डेप्थ में जाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप साइमल्टेनियसली साथ साथ पूछ सकते हो। हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में, और जो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को अच्छे से समझना, क्योंकि एक बार अगर हम एडजस्टमेंट्स को क्लियर कर लेते हैं ऑब्वियसली क्वेश्चंस करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। स्टिल मैं एडजस्टमेंट्स के साथ भी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहां पर करवाऊंगा। ओके, तो हेडिंग डालो फाइनल अकाउंट्स। और यही वो ऐसा चैप्टर है जो आपके एग्जाम को मेक और ब्रेक कर सकता है। जनरली देखा गया, जब भी कोई 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया वो किस पेपर में से आया, अगर आपने भी लास्ट एग्जाम्स का कुछ एनालिसिस किया हुआ है, तो फाइनल अकाउंट्स में से मोस्टली 20 मार्क्स का एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है। और 20 मार्क्स अगर आप क्वेश्चन को ठीक करते हो तो देखा जाए तो आप हाफ पास तो वैसे ही हो गए। पासिंग के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, 40 मार्क्स, 20 तो आपके इसी से आ जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर में तो बिल्कुल बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर चाहे 20 मार्क्स का या 15 का है आएगा जरूर, वो आपको एग्जाम में दिखेगा जरूर। ओके, तो इसमें बहुत अच्छे से आपकी एक्सपर्टाइज होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की अगर हम बात करें, हम पहले एडजस्टमेंट्स को सीखेंगे और फिर बाकी चीजें बेसिक समझेंगे कि कैसे कैसे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पहले हम स्ट्रेट अवे एडजस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसका नंबर है 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आप लोगों ने कभी सुना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 किसके ऊपर है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। व्हाट डज इट स्टेट? व्हिच एवर इज हायर लोअर। ओके, ये बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, इन्वेंटरी मस्ट बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी नेट रिलाइजेबल वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू, व्हिच एवर इज लोअर। तो इसको हम यहां पर लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक मस्ट बी वैल्यूड। ऑल्दो AS2 में बहुत कुछ है, बट आपके अभी कोर्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, यू विल स्टडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन लेटर स्टडीज, दैट इज फ्रॉम CA इंटरमीडिएट। तो क्लोजिंग स्टॉक मस्ट बी वैल्यूड
एट कॉस्ट या फिर एनआरवी, विच एवर इज लोअर। अपने कॉन्सेप्ट को जितना बेटर कर सकते हो यही टाइम में कर लो। लास्ट डेज पे तो बस जब हमें ओवरव्यू देखना पड़ता है, वहां तो हमारे पास क्वेश्चन करने का भी टाइम नहीं होता। अभी है, वी स्टिल हैव 3 मंथ्स टू गो, जिसमें 2 मंथ्स में हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो मैं आपको यहां पर एक एडजस्टमेंट देता हूं, क्लोजिंग स्टॉक इसकी मार्केट वैल्यू है से 40,000 एंड इसकी जो कॉस्ट है वो है 42,000 रुपीज। बताओ इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी और कहां कहां होगी। यस, ट्रेडिंग अकाउंट में हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, वेयर विद हाउ मच अमाउंट, 42,000। सोच लो 42,000 वाले कौन कौन है, सारे चुप हो गए। अब यहां से आवाज आई थी किसी की 42,000 की। अच्छा 40,000 वाले कौन कौन है, कोई तो ऐसे हैं जो दोनों में भी नहीं है, उन्होंने दोनों टाइम पे हाथ नहीं खड़े किए। चलो एनीवे वो 40,000 ही होगा, रीजन बिंग अभी तो हमने पढ़ा विच एवर इज लोअर, तो कभी भी इसको हायर वाले पे मत ले लेना, या ये सोच के मत जाना कि हमने तो कॉस्ट ही लेना होता है या कुछ भी हो। अगर कॉस्ट हायर है तो कॉस्ट को हम इग्नोर करेंगे, वी हैव टू टेक ऑलवेज लोअर वैल्यू। ओके, तो यहां पर आ जाती है 40,000 मार्केट प्राइस बिकॉज इट इज लोअर देन कॉस्ट प्राइस। और दूसरी हम कहां पर जगह पे लिखेंगे, ऑब्वियसली इन द बैलेंस शीट एसेट साइड। ओके, तो ये हमने ट्रीटमेंट कर लिया एडजस्टमेंट नंबर वन का, तो फटाफट से हम आज एडजस्टमेंट्स को कंप्लीट करेंगे, देन वी विल स्ट्रेट अवे कम टू द क्वेश्चन पार्ट। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कौन कौन से एक्सपेंसेस आपने यूजली देखे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में फॉल करते थे? आपने इंश्योरेंस को देखा कभी आउटस्टैंडिंग? यस, किसी ने इंश्योरेंस को आउटस्टैंडिंग कभी देखा हो? बहुत सारे आप लोगों ने क्वेश्चंस अगर कर रहे हो, और अभी ही नहीं बल्कि स्कूल लेवल पे भी कभी आपने फाइनल अकाउंट किया हो, इंश्योरेंस क्यों नहीं होती कभी आउटस्टैंडिंग? क्या आप इंश्योरेंस को क्लेम कर पाओगे अगर प्रीमियम आउटस्टैंडिंग रहा? इंश्योरेंस तो हमेशा एडवांस में पे की जाती है। अभी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है जस्ट 1 अप्रैल 2021 से, अगर मैं आज इंश्योरेंस पे करूंगा तो ये मेरे को पूरे साल के लिए कवर करेगी इन एडवांस। मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि ये ईयर एंड हो गया और मेरा कुछ प्रीमियम पेंडिंग भी है, मैं क्लेम के लिए जा रहा हूं और मैं कह रहा हूं मैंने प्रीमियम तो पे नहीं किया, वो आउटस्टैंडिंग है, मैं अपनी बुक्स में दिखा दूंगा बट मुझे क्लेम चाहिए। विल आई गेट द क्लेम? मुझे क्लेम कभी भी नहीं मिलेगा बिकॉज मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम तो दिया ही नहीं। ये तो एक इंश्योरेंस की भी इंश्योरेंस हो गई कि कुछ हो जाएगा तो इंश्योरेंस का प्रीमियम देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो ऐसे इंश्योरेंस कंपनी आपको अलाउ नहीं करती, वो कहते हैं पहले पे करो, अगर हो गया तो हम कंपनसेट करेंगे, नहीं हुआ तो आपका प्रीमियम लॉस्ट होगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की अगर हम बात करें क्या होते हैं, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट येट पेड। तो कोई भी यहां पर हम एक्सपेंस ले लेते हैं, फिर सैलरी। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, ओके, और मान लो आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 और सैलरी है से 65,000। बताओ जी क्या करेंगे हम इसका ट्रीटमेंट, क्या करेंगे ट्रीटमेंट बताओ? यस, तो पी एंड एल अकाउंट में तो एज एन एक्सपेंस दिखाएंगे, टू सैलरी कितने अमाउंट से 65,000 और अलग से आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, इट विल बी 70,000 और बाकी ये 5,000 कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। ये आपने बातें जरूर पढ़ी होंगी कि जो भी एडजस्टमेंट वाला पार्ट होता है वो कितनी जगह जाता है? दो जगह जाता है, आइदर इन ट्रेडिंग और पी एंड एल एंड इन बैलेंस शीट। या तो ट्रेडिंग पी एंड एल में से एक जगह जाएगा या फिर बैलेंस शीट में से, सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस, कुछ कुछ जगह ऐसी चीजें नहीं होती। ओके, तो यहां पर भी हमारे पास आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 रुपीज, यही होने वाला ट्रीटमेंट। क्यों हम ऐसा करते हैं? बिकॉज वी फॉलो एक्रूअल कॉन्सेप्ट वाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस। हम यहां पर कैश बेसिस की अकाउंटिंग नहीं करते। ऑल्दो आई हैव पेड ओनली 65,000 बट क्योंकि 70,000 का एक्सपेंस इज रिलेटेड टू माई ईयर एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट, आई हैव टू टेक 70,000
इंस्टेड ऑफ 65,000। ऑल राइट, और इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, यहां पर सैलरी जो आपको 65,000 गिवन थी ऑब्वियसली वो ट्रायल बैलेंस में होगी और एडजस्टमेंट्स आपको सेपरेट दी होंगी। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आता, दिस इज अवर ट्रायल बैलेंस, सैलरी 65,000 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000, क्या अभी भी हमारा वही ट्रीटमेंट होगा? क्या चेंज करेंगे अब अपने ट्रीटमेंट में? यस, टोटल 65 ही आएगा पी एंड एल अकाउंट के अंदर, उसमें अब हम 5,000 ऐड नहीं करेंगे। रीजन बीइंग, जो भी बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में आते हैं वो ऑलरेडी एडजस्टेड बैलेंस होते हैं, तो एडजस्टेड बैलेंस में और एडजस्टमेंट करोगे तो वो कुछ और ही हो जाएगा। ये 5,000 ऑलरेडी इसमें ऐड हुआ हुआ है, तो मैं दोबारा से ऐड इसको क्यों करूं? वो तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कुछ कुछ आपको ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो आपने आज तक या हमेशा एडजस्टमेंट में देखी थी, और जब आप कोई क्वेश्चन में आओगे आप देखोगे अरे ये तो ट्रायल बैलेंस में ही है। जब वो ट्रायल बैलेंस में है तो उसका जो पार्ट है वो बैलेंस शीट वाला ही खाली पेंडिंग रहता है मोर ऑर लेस, मतलब जो उसका मेन अकाउंट है वो ऑलरेडी सेटल्ड होता है। इन दोनों में मेन अकाउंट कौन सा है? सैलरी है, तो सैलरी ऑलरेडी यहां पर सेटल्ड अकाउंट है, सैलरी को मेरे को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। सो व्हाट विल आई डू पी एंड एल में? सिंपली आई विल राइट टू सैलरी एट रेट 65,000 एंड बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जरूर आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000। क्लियर? ओके, नोट इट डाउन, साथ साथ आप नोट करते जाओ इन सब चीजों को। ऑल राइट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, हमने टू एडजस्टमेंट्स कर ली ना। ओके, थर्ड एडजस्टमेंट इज एक्रूड एक्सपेंस। बेसिकली एक्रूड को हम प्रीपेड भी बोलते हैं, सो पेड इन एडवांस। तो आपने जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि यहीं पर इंश्योरेंस हमेशा लाया करती है। ओके, तो ट्रायल बैलेंस में यू हैव गिवन इंश्योरेंस प्रीमियम 42,000 एंड एडजस्टमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड अप टू 30th जून। मान लो ये जो ट्रायल बैलेंस बना हुआ है ये बना हुआ है एज ऑन 31st मार्च 2020 और इसको मैंने कर दिया 20। बताओ जी क्या करेंगे हम इसमें? क्या करेंगे बताओ? 31 मार्च तक तो मुझे कैलकुलेट कर लेंगे, डर गया था मैं पता। मैंने कहा पता नहीं कोई डांट रहा है मुझे। तो एक्स्ट्रा होगा कितना ये बताओ, यही तो क्वेश्चन है, कितना एक्स्ट्रा होगा? 10,500। नेक्स्ट आंसर बताओ। तो मैं क्या बैलेंस शीट में भी कहीं नहीं कुछ लिखूंगा? कितना जाएगा? 10,500 जाएगा। हाउ? ये मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे करा है यहां पर ये कितने महीने के लिए पे करा? यस, ये मैंने कब तक के लिए पे करा मुझे ये बताओ। क्या ये मैंने 31 मार्च 2020 तक के लिए पे करा? 30th जून तक। तो ये जो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम में, चलो इधर टाइमलाइन हम बनाते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, ये है मेरा एक्रूअल ईयर और ये है वो एक्स्ट्रा पीरियड दैट इज 30th जून। मेरे को इस पूरे पीरियड के लिए दिया हुआ कितना? तो आप नहीं बता सकते इतने पीरियड के लिए कितना होगा? 33,600।
इसका मतलब बैलेंस पीरियड के लिए होगा 84 आवर्स। सब ये कैलकुलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे? कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे? 42,000 इज रिलेटेड टू 15 मंथ्स। अब आपको जितने भी मंथ्स का निकालना है निकाल सकते हो। 12 का निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 12, और अगर एक्स्ट्रा 3 के लिए निकालना है तो 42,000 डिवाइडेड बाय 15 × 3। बेस में रखते हैं जितने पीरियड पे वो एक्चुअली में अकर हो चुका है, वो 15 मंथ्स की अकरेंस है उसमें। हमें तो बट अप टू 12 मंथ्स चाहिए ना। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 3 मंथ्स है वो क्या है? प्रीपेड है। एडजस्टमेंट तो हमको आती होती है, हमें तो रटा हुआ है कि प्रीपेड कहां जाएगा या P&L में उसके साथ क्या होगा, लेकिन एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसे होगी उसी में हम कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं। फाइन, तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा इसको नोट डाउन करो पहले आप। ये तो पार्ट आपका बन जाएगा बैलेंस शीट के लिए एसेट, जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट एडवांस में पे कर दिया, और इस बार से रिलेटेड जितना अमाउंट बनता था, चाहे पे ज्यादा हुआ हो, हम कैश बेसिस पे तो काउंटिंग करते ही नहीं है, जितना आपका अमाउंट बनता था दैट वी विल टेक इन अवर एक्सपेंस पार्ट, दैट इज इन P&L अकाउंट। ओके, और उसको भी किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे? P&L अकाउंट टू इंश्योरेंस प्रीमियम लेस प्रीपेड। इंश्योरेंस प्रीमियम वैसे तो है 42,000, लेकिन हमने एक्स्ट्रा कितना पे करा हुआ है? चलो इसको हमको ना अंडरलाइन करके राइट साइड पे लिखना पड़ता है, या मैं ऐसे कर देता हूं। अब ठीक है, 33,600 एंड इन बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस 8,400। ओके, ये एडजस्टमेंट होती है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि अगर आपको फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा तो ये एडजस्टमेंट जरूर आएगी। क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, ये तो पक्की पक्की आनी है। रेयरली आपने कोई क्वेश्चन देखा होगा जिसमें क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट ही नहीं है और वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एडजस्ट है, बहुत कम होता है। फर्स्ट एडजस्टमेंट तो होती क्लोजिंग स्टॉक की है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग की भी कोई जरूर होती है और ये भी जरूर होती है। इसके बाद कहीं ना कहीं फिल्टर लगता है कि वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये तो आनी ही आनी है। और आपको क्वेश्चंस के स्टेप वाइज मार्किंग के हिसाब से मार्क्स मिलते हैं, तो इसको तो बिल्कुल भी गलत मत करना। फाइन, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे, दैट इज एक्रूड इनकम, इनकम ड्यू बट नॉट येट रिसीव। इनकम ड्यू तो हो चुकी है, इनकम अकर तो हो चुकी है, बट अभी तक हमको वो मिली नहीं है इन फॉर्म ऑफ कैश। कैश बेसिस में अभी तक वो हमको मिली नहीं है, बट वो हमारी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इनकम तो इसी पीरियड को रिलेट करती है। ऑल राइट, तो जब इस पीरियड को वो रिलेट करती है तो ऑब्वियसली हमको उसको इस पीरियड में लेके भी चलना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये है हमारा ट्रायल बैलेंस और यहां पर कोई भी इनकम है, से कमीशन इनकम है, तो ये मैं यहां पर लिख देता हूं 53,000, या 53 की जगह आप लिखो 55 कर लो। एंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है टेन% ऑफ टोटल कमीशन इज एक्रूड। मुझे बता सकते हो कहां पर कितना कितना बैलेंस आएंगे और क्या अमाउंट आएगा? अच्छा, ओके ओके, और कोई? बताओ, एनी अदर आंसर? कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि 55,000 में 10% ऐड कर दो और उसको P&L में क्रेडिट कर दो, कुछ का व्यू कुछ अलग है, तो बाकियों का क्या व्यू है वो मुझे बताओ। यस, 60,000 आएगा, 65, 60, 55, ये सब आंसर आ चुके हैं। 60? ओके, ये वाला आंसर किसी और का आ रहा है? 60,000 आ रहा है ना, 60,500 आ रहा है। सो यू हैव सिंपली 55,000 प्लस आपने 10% कर दी, 55,000 प्लस 10% इतना ही तो आता है, 60,500 आता है, ये किया ना आपने।
इसके अलावा किसी ने कुछ किया तो मुझे बताओ, जिसने 55,000 प्लस 10% के अलावा कुछ किया हो। इंटू 10/100 और 10% तो एक ही बात होती है ना, 55,000 का 10, अच्छा 10/110। ओके, एनी अदर आंसर? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में सोचूं तो ये जो 55,000 है ये मेरी टोटल कमीशन का कितना परसेंट होगा, जब उन्होंने ये बोला है कि 10% टोटल कमीशन का एक्रूड है जो मुझे नहीं मिला, इसका मतलब ये कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? 90% है। और आपके पास एक वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट और आपके पास उसकी परसेंटेज है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते कि उसकी फुल वैल्यू कितनी होगी? तो 55,000 को हम डिवाइड अगर करें, ये कितनी परसेंट डिनोट कर रही है? 90%। देखो कितना आता है, कितना आता है? 61,111। और ये आंसर मेरे को बस एक ही जगह से मिला है, यहां से कहीं से मिला, और तो किसी ने भी नहीं दिया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो 10 में से 9 गलत करके आएंगे, 9 भी मैंने शायद ज्यादा ही बोल दिया, 20 में से 19 गलत करके आएंगे, मतलब 10 में से 9.5 गलत करेंगे। हम 9.5 तो कर नहीं सकते ना, इसलिए 20 में से 19 गलत करके, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। कुछ कुछ जगह पे तो हम अपने कॉन्सेप्ट फिगर्स के हिसाब से बना लेते हैं, 55,000 10% ऐड करो, कहानी खत्म, क्योंकि एक्रूड तो ऐड करते हैं, इतना तो हमारे दिमाग में डाल दिया गया बचपन से, जहां एक्रूड आ गया प्लस कर दो, कहानी खत्म। अब वो किस सेंस में आया वो हम नहीं पढ़ना चाहते, उससे हमें मतलब ही नहीं है। 10% दिख रहा है, 55,000 दिख रही है, जोड़ो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, बेसिक कॉन्सेप्ट गए ऐसी तैसी में। 55,000 यहां पर कमीशन लिखी और इसके बाद बता रहे हैं 10% अभी एक्रूड है, दैट मींस ये खाली 90% है। और जब आपके पास किसी चीज की वैल्यू और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गिवन होती है, हम उसको डिवाइड करते हैं सेम परसेंट से, विल गेट द फुल वैल्यू। ये तो सबको पता होगा कॉन्सेप्ट, सबको पता है कॉन्सेप्ट की नहीं पता? हमारे पास कोई भी वैल्यू है, मैं आपको बोलूं आपके पास 200 रुपए और आप कह रहे हो ये तो मेरी पूरे दिन की 10% कमाई है, आपके पास इस टाइम आपकी पॉकेट में 200 रुपए हैं और आप मुझे बोल रहे हो ये तो मेरी पूरे दिन की 10% कमाई है, आपके पूरे दिन की बताओ कितने की कमाई हो? 2,000 होगी, फटाफट से बता दिया ना आपने। आपने क्या किया, 200 को डिवाइड किया 10% से, मैक्सिमाइज वैल्यू आ गई। तो यहां पर हमें वो करने में क्यों दिक्कत होती है? दिक्कत यहां पर भी कुछ नहीं होती, करना तो वैसे भी कैलकुलेटर ने, मैंने भी कुछ नहीं किया, मैंने खुद थोड़ी मैनुअली कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर ने किया। रीजन ये होता है हम कॉन्सेप्ट को समझ के करना ही नहीं चाहते, हम शॉर्टकट की तरफ कुछ कुछ जगह भागते हैं, या हमें लगता है कि जब हमने 50 क्वेश्चन कर लिए उसी तरह से होंगे तो 51st क्यों अलग हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्लास को बिल्कुल कंसंट्रेशन वे में देखना, कुछ कुछ चीजें आपको ऐसे अलग मिलेंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी। ओके, तो हर मेरे को पता सब लोगों ने बेसिक पढ़ा हुआ है, तो वही मैं चीज रिपीट करूं उसका कोई फायदा नहीं है, हम तो एक लेवल आगे की अब थोड़ी सी रिविजन कर रहे हैं। तो अब ये सबको क्लियर हो गया, इसका मतलब टोटल कमीशन कितनी थी? 61,111, जिसमें से मिली हमको 55,000। तो कितनी हमें नहीं मिली? 6,111। तो एक्चुअल में accrued कमीशन कितना हो गया? अब वो मैं 0.11 तो हटा दिया, वो तो छोटा सा अमाउंट था, 6,111 हो गया। समझ में आई आपको मेरी बात? ओके, अब इसके बाद तो सारे काम करने बहुत आसान है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। P&L में जाएगा कमीशन में, ये तो सबको पता है, बाय कमीशन। कितना आएगा? 55,000 प्लस एक्रूड 6,111, 61,111 एंड इन बैलेंस शीट एसेट साइड एक्रूड कमीशन 66,111। ऐसे ही होना चाहिए, कभी कभी हमें बिलीव ही नहीं होता कि इतनी वियर्ड फिगर आ रही है, कैसे आंसर हो सकता है। इन चक्रों में बिल्कुल भी मत पढ़ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है तो वियर्ड फिगर आए या राउंड ऑफ में आए या कुछ भी आए वही करेक्ट आंसर होगा, फिगर के बेस पे एनालिसिस हम सॉल्यूशन का नहीं कर सकते। ओके जी, चले नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। तो ये मैंने लास्ट लेवल की एडजस्टमेंट दे दी कि अगर आपको एक्रूड कमीशन आएगा तो वो इस तरीके से फंसा सकता है, बाकी बेसिक तो आप कर ही लोगे, 500 रुपीज एक्रूड है, 1,000 रुपीज है, वो तो आपको करना आता है जब डायरेक्ट टर्म दियो। ओके, बाकी जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन पे आएंगे तो हम उसको और डिटेल में समझ सकते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट नंबर 5th, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस।
इसका क्या कोई अलग नेम भी होता है या एक ही नेम आपने हर जगह पढ़ा है? यस, क्या अनएक्रूड इनकम? ओके, और कोई नेम? एक इसका नेम और होता है, अनअर्नड इनकम। नहीं सुना आपने कभी? हमने ये कमाई नहीं हुई पर इनकम है हमारी, क्या सारी इनकम पे हमारा हक होता है? नो, हर इनकम पे तो हमारा राइट नहीं होता। अगर आपको कोई इनकम टाइम पीरियड से पहले मिल गई है तो दैट इनकम इज नॉट योर ट्रू इनकम। आप अक्रूअल बेस पे उस इनकम को रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज अभी आपने उसके लिए कोई भी सर्विस या गुड्स नहीं बेचे। ओके, तो अगर इस तरीके का आपको कोई क्वेश्चन आए, सेम यहां पर लिखता हूं ट्रायल बैलेंस में, इंटरेस्ट One tenth of अब बताओ इसकी आप क्या एडजस्टमेंट करोगे? वन टेंथ ऑफ इंटरेस्ट इनकम इज अनअर्नड। अब बच्चे बिल्कुल साइलेंट है, वो कोई भी गलत स्टेप नहीं लेना चाहते, इसलिए वो ध्यान से सोच के बताएंगे, इसलिए कोई बता ही नहीं रहा। बताओ, वन टेंथ ऑफ इंटरेस्ट इनकम इज अनअर्नड। मतलब 54 एंड 6 होगा ना ब्रेकअप, ये कह रहे हो ना? ओके, एनी अदर आंसर? अच्छा, मैं समझ गया आपने किया क्या। और कोई एनी अदर आंसर? यस, आंसर ही नहीं आ रहा देखो किसी का, कितनी हैरानी वाली बात है। जिस चैप्टर को हम अपनी स्ट्रेंथ मान के चलते हैं कि ये तो क्वेश्चन आने की देर है, पूरा का पूरा ढंग से करके आएंगे, सिंपल सी एडजस्टमेंट में एक दो बच्चों के अलावा, चाहे सही हो गलत हो मैटर नहीं करता, बाकी बच्चे आंसर ही नहीं कर। बताओ जी क्या आंसर आएगा? 5 4 5 4 5 वाले कितने हैं? 5 4 5 4 5 वाले सारे हाथ खड़े करो, 1 2 3 4 5 6, वो तो आप तो हो ही ऑब्वियसली, आपने तो इनिशिएट किया था। और बाकी मैं क्या मानूं, सारे 54 और 6 वाले हैं? 54 और 6 वाले कितने हैं? अच्छा, और कुछ ऐसे हैं जो ना 54 6 वाले हैं ना वो 5 4 5 4 समथिंग वाले हैं, उनका कोई और ही आंसर है, तो जिनका कोई और आंसर है वो भी बता दो। वो 50 10 वाले हैं, अब वो कह रहे हैं सर हम अभी इस पोजीशन में नहीं है कि आंसर दे सके। अब ये देखो, इस क्वेश्चन में तो कोई गड़बड़ी नहीं थी, 60,000 रुपए इंटरेस्ट है, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इसमें से वन टेंथ जो है ना वो अनअर्नड है, तो ये तो सीधा क्वेश्चन है। मैंने जान के आपको उस क्वेश्चन को देने के बाद ये दे दिया, मुझे पता था कोई ना कोई बच्चा वो वाला माइंड जरूर लगाए। ये तो सिंपली बोल रहे कि वन टेंथ जो इंटरेस्ट की इनकम है वो अनअर्नड है, हमने कमाई नहीं है, तो टोटल इंटरेस्ट 60,000 है, वन टेंथ अनअर्नड, तो इसका मतलब क्या हो गया? 6,000 रुपए आपकी अनअर्नड है और 54,000 आपकी एक्चुअली में अर्नड है, तो इसको आप पीएनएल में लोगे, इसको आप एसेट बना दोगे, सॉरी इसको आप लायबिलिटी बना दोगे, इतना सा काम करना था। 54 5 4 5 वाला यहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लगता, इंटरेस्ट इनकम दी हुई है उसका सीधा वन टेंथ जो है इंटरेस्ट इनकम अनअर्नड है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये यहाँ पर 6,000 लिख देते, 6,000 ऑफ इंटरेस्ट इनकम इज अनअर्नड, तो क्या आप 54 वाली बात सोचते? वहां हम बिल्कुल नहीं सोचते, रीजन बिंग क्योंकि वहां हमें अमाउंट दे दिया, तो अगर वो चीज हमें फ्रैक्शन में दे दी तो हम अलग क्यों सोचेंगे? कॉन्सेप्ट पे जोर देना है, हमें आंसर्स पे जोर नहीं देना। इसीलिए आपने देखा होगा अगर आपके पास मेरी फाउंडेशन की बुक है उसमें भी आंसर नहीं, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव इन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आंसर जो होगा फिर वो ठीक ही होगा। तो आप इसको फटाफट से नोट डाउन करो, पीएनएल अकाउंट बाय इंटरेस्ट 60,000, लेकिन इसमें अनअर्नड कितनी है इनकम, या रिसीव्ड इन एडवांस भी लिख सकते हो, 6,000, तो एक्चुअल में आपकी
अर्न्ड इनकम हो गई 54,000 और बैलेंस शीट के आप इसको लाइबिलिटी में लेके जाओगे बिकॉज इस पर अभी आपका राइट एस्टेब्लिश नहीं हुआ। अर्न्ड इनकम 6,000। ऑल राइट, एक भी एडजस्टमेंट गलत हो गई यू कैन अंडरस्टैंड। अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट में उसका इफेक्ट आता है तो जीपी गलत आएगा, अगर पीएनएल में आता है तो एनपी गलत आएगा और बैलेंस शीट तो मैच होगी नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को ठीक करना, तभी हम 20 मार्क्स के क्वेश्चन को परफेक्टली ठीक कर पाएंगे। और आप देखो अगर आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन उठाते हो और वो ठीक हो जाता है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप पीक पे होता है। और कुछ क्वेश्चन हमारे कोर्स में ऐसे हैं जो वेरीफाइएबल है, जिसमें से ये क्वेश्चन है जहां पर बैलेंस शीट बनानी है वहां पर तो आप वेरीफाई कर सकते हो। मतलब अगर आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है तो बहुत हाई परसेंटेज है कि आपने क्वेश्चन ठीक ही किया होगा। ऑल्दो बैलेंस शीट टैली होने के बाद भी एरर्स हो सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है वो, बट स्टिल एक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको कॉन्फिडेंस तो जरूर मिलेगा, चाहे वो ट्रू कॉन्फिडेंस हो या फेक हो। आपको तो उस टाइम नहीं पता ना कि आपने गलत किया हुआ है, अगर उसमें कोई मिस्टेक भी होगी वो डबल एंट्री वाली होगी, आपने उसको कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट स्टिल टैली बट आपकी मिस्टेक है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस तो आप आगे लेके जाओगे अपने पूरे एग्जाम में। पेपर देने के बाद कॉन्फिडेंस लूज हो जाओ मैटर नहीं करता, बट 3 आवर्स के अंदर आपको कॉन्फिडेंस पीक पे होना चाहिए। वो तभी होगा जब इस तरीके के क्वेश्चंस में आपकी बैलेंस शीट टैली हो, तो उसमें हम ऐसे एरर्स को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ओके, और एक आधी एडजस्टमेंट आप मान के चलो इंस्टीट्यूट आपको जरूर देगा, बिकॉज दिस इज एन ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये कोई आपका न्यू टॉपिक नहीं है। ओल्ड टॉपिक तो आप कितनी बार पढ़ चुके हो, उसमें तो वो टेस्ट करेगा ना कि आपने इसको बहुत डिटेलिंग में समझा कि नहीं समझा। फाइन, नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ हम चलते हैं, दैट इज डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट तो बहुत सिंपल है, हमको तो इस पे पूरा एक टॉपिक ही पढ़ना है, तो एडजस्टमेंट तो कुछ भी नहीं होगी उसके रिगार्डिंग। डेप्रिसिएशन हम किसको बोलते हैं? डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट रीजन ड्यू टू एक्सीडेंट, पैसेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेसेंस एक्सेट्रा। ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। कुछ कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें बहुत जल्दी आपको टेक्नोलॉजी अपडेट करनी होती है, तो वहां पर जो पुराने एसेट्स होते हैं वो फटाफट से उसको बेच देते हैं, स्क्रैप कर देते हैं, बिकॉज उनको एट ऑल लेवल्स न्यू अपडेटेड ही सिस्टम चाहिए। आप कभी प्राइवेट बैंक्स में विजिट आपने किया होगा, वहां पर अगर आपने सिस्टम देखे हो क्या वो अपडेटेड होते हैं कि नहीं होते? वो हमेशा अपडेटेड होते हैं। जहां पर न्यू टेक्नोलॉजी आएगी वो पुरानी टेक्नोलॉजी को अपने आप स्क्रैप कर देंगे। स्क्रैप का मतलब वो कहीं ना कहीं उसको बेच देते हैं। और अगर हम गवर्नमेंट बैंक्स की बात करें, वहां पर वही घिसे पिटे सिस्टम्स अभी भी सीआरटी कंप्यूटर स्क्रीन पे वो काम करते हैं। सीआरटी आपको पता है ना, कैथोड रे ट्यूब, जो किसी जमाने में चलती थी, आज भी वहां पर वही सब चीजें यूज कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन आपको तब लगता है जब आप एक्चुअली में किसी एक वैल्यू की जो बुक वैल्यू है उसको क्या करते हो, डाउन करते हो। और उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाइल डूइंग डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट। सो इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि यहां पर हमारे पास से कुछ कैश नहीं जाता। तो अगर कैश नहीं जाता तो क्या हम इसको पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करेंगे? क्या पीएनएल अकाउंट कैश बेसिस पे बनता है? नो। तो इवन इफ इट इज अ कैश नॉन कैश एक्सपेंस, स्टिल इट विल बी रिकॉर्डेड इन अवर प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रिसिएशन सच में बताऊं ना तो बहुत अच्छी चीज है। पता है आपको क्यों? क्यों अच्छी चीज है बताओ? यस, इंपैक्ट पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस में। ये हमारे पी एंड एल को क्या करता है? रिड्यूस करता है। और जैसे ही हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होगा, अल्टीमेटली जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी? वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन तो बहुत अच्छी चीज है ना। लोग तो जो बिजनेस करते हैं, जो एसेट खुद नहीं भी खरीदते, दूसरों को बोलते हैं हमारी फर्म के नाम पे एसेट खरीद के हमें बिल दे दो, बिकॉज दे नो अगर बिल हमारी फर्म के नाम का बन गया तो हम उस एसेट का डेप्रिसिएशन क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। क्या सब लोग होते हैं जो बिजनेस भी करते हैं जो एसेट परचेज करते हैं? आप सब लोगों ने अपने घर पे टीवी परचेज किया, एसी परचेज किए, क्या आपका घर में बिजनेस हो रहा है? नो। तो अगर आप वही बिल किसी के फर्म के नाम पे ले लोगे, क्या आपको कोई फर्क पड़ता है? बताओ, आपको कोई फर्क पड़ता है? आप चाहे बिल भी उनको मत दो, बस उनकी फोटोस्टेट दे दो या व्हाट्सएप कर दो उनको, आपको क्या कुछ फर्क पड़ गया कि आपके ज्यादा पैसे लगे? कुछ भी नहीं आपको तो फर्क पड़ा, लेकिन उस पर्सन को एडवांटेज हो जाए। क्यों एडवांटेज होगा? एसी वो अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगा एज एन एसेट। सर क्या चेकिंग नहीं होगी फर्म में जाके कि एसी की ठंडी ठंडी हवा आप ले रहे हो या हम ले रहे हैं? आपको लगता है कि चेकिंग होगी?
वो चेक करने आएंगे कि एसी की हवा कौन ले रहा है, एसी कहां पर फिजिकली लगा हुआ है, बताओ। इतनी तो टाइम किसी के पास नहीं है ना फालतू का। अगर चेकिंग हो भी होगी भी कभी तो आपसे बिल मांगेंगे, वो आपसे ये थोड़ी मांगेंगे कि एसी दिखाओ कहां लगा हुआ है। ओके, और बिल तो आपके पास ऑटोमेटिकली और आपके फर्म के नाम का बना हुआ है, और क्या प्रूफ चाहिए। और आप उसका डेप्रिसिएशन अपनी बुक्स में क्लेम कर सकते हैं, उससे आपका प्रॉफिट कम होगा और उससे आपका टैक्स कम होगा। अब ये कुछ आगे की बातें बट आपको पता होनी चाहिए बीइंग अ सीए स्टूडेंट, जिससे आपका इंटरेस्ट किसी भी चीज में और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसलिए डेप्रिसिएशन बहुत अच्छा एक्सपेंस होता है ना, हमारी पॉकेट से कुछ जाता है बल्कि हमारी टैक्स लायबिलिटी को क्या कर देता है, ये कम कर देता है। तो ये आपके लिए अब एक बहुत अच्छी टैक्स प्लानिंग है। अगर आपके कोई भी भैया दीदी या कोई भी पर्सन जो बिजनेस में है, आप कोई भी एसेट परचेस करते हो, आप उनको बोलो कि हम आपकी फर्म के नेम का एसेट परचेस कर लेंगे, जिससे आपको क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। और जब आप उनका बेनिफिट सोचोगे तो इनडायरेक्टली वो भी कभी ना कभी आपका बेनिफिट सोचेगा। ओके, आपका तो वैसे भी आपको तो कुछ नहीं मिलना, आपका तो बिल गया। हम तो बिल को अगर कोई एसेट लेते खो भी देते हैं, हमारे लिए तो किसी काम का नहीं होता एज अ कंज्यूमर, बट यहाँ पर हमको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। ओके जी, तो अब हम इसके बारे में भी कुछ अकाउंटिंग के वे में बात करते हैं। दिस इज अवर ट्रायल बैलेंस। एक व्हीकल है हमारे पास। अच्छा, यहां पर अगर व्हीकल लिखा होता तो क्या वो एक ही होता है? यस, मैंने व्हीकल लिखा यहां पर और लिख दिया 20 लाख, क्या ये एक ही व्हीकल होगा? ऐसा जरूरी है? ये कितने भी नंबर ऑफ व्हीकल्स हो सकते हैं। ओके, अकाउंट का नेम व्हीकल ही रहेगा, चाहे उसमें एक व्हीकल हो या 10 व्हीकल हो। एडजस्टमेंट देखो क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन व्हीकल एट द रेट 10% पर एनम ऑन WDV बेसिस। बताओ जी क्या इसकी एडजस्टमेंट होगी? क्या एडजस्टमेंट होगी? जो मैंने आपको एडजस्टमेंट दिया उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? हाउ मच? 2 लाख ही आएगा। एनी अदर आंसर? 18 लाख डेप्रिसिएशन। अच्छा, 18 लाख रिटर्न ऑन वैल्यू। यहां पर WDV लिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फर्स्ट ईयर में WDVO SLMO दे वर्क सेम सिमिलर साइमल्टेनियसली, कुछ फर्क नहीं होता। ओके, तो 2 डेप्रिसिएशन 2 लाख एसेट में लिखो, तो टैक्स जो होता है ना कभी भी एसेट पे नहीं लगता। अब अगर मैंने किसी का एसी दिखा भी दिया अपनी फर्म में, मैं यहां पर मान लो एसी है, एसी दिखा दूंगा, क्या एसी पे टैक्स लगेगा? नो, एसी पे थोड़ी टैक्स लगेगा। एसी तो जब परचेज किया उस पे वैसे ही टैक्स लगा होगा, तो वो तो ऑलरेडी टैक्स प्रोडक्ट है, दोबारा से क्यों टैक्स लेंगे? डबल टैक्सेशन तो अलाउड नहीं है। तो मेरे को तो अब वो बेनिफिट देने के लिए एसी बैठा हुआ है, एसी का बिल मेरे यहां पर 2 डेप्रिसिएशन पे आ गया, और जो भी जीपी में से चीजें माइनस होंगी ऑलरेडी मेरा नेट प्रॉफिट कम होगा और मेरे को उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो ये सब चीजें टैक्स प्लानिंग के अंडर आती हैं, जो आप थोड़ा सा आगे सीखोगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ हम आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और देखो, ये भी हो सकता है जो आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, उसमें स्टिल मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ट्रायल बैलेंस में अगेन क्या भी हो, कार है 5 लाख रुपए और डेप्रिसिएशन ऑन कार है 2 लाख रुपए, क्या करोगे? बैलेंस शीट की नेट वैल्यू कितनी दिखाऊंगा? 3 लाख दिखाऊंगा, 5 लाख या 7 लाख? 5 लाख दिखाऊंगा। ठीक है, बस यही मेरे को पूछना है। जो भी एडजस्टमेंट आपको ट्रायल बैलेंस में दी होती है उसका मेन अकाउंट ऑलरेडी सेटल होता है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज बैड डेट। When amount gets irrecoverable from debtors, it becomes bad debt. वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है bad debt. तो this is your trial balance. Trial balance में आपको debtors दिए हुए हैं, से 1 लाख रुपीज, और एडजस्टमेंट
बैड डेट है 40,000, बताओ जी कैसे ट्रीट करेंगे इसको हम? पी एंड एल में टू बैड डेट्स, तो ये तो बहुत सिंपल थी एडजस्टमेंट थी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, तो ऐसे इसमें भी आ सकता है कि डेटर्स आपको बैड डेट यहीं पे दिए होंगे, आपने कुछ क्वेश्चन देखे भी होंगे, क्या अगर ऐसे यहां पर दे दिया तो क्या मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा उसको? मेरे को उसको बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं स्ट्रेट अवे आपको एक क्वेश्चन फॉर्म में एडजस्टमेंट देता हूं, विच यू हैव टू डू हेयर। ओके, चलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एडजस्टमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को सब ट्राई करो, दिस इज योर लाइफ टेस्ट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करो सर। यू हैव टू शो इट्स ट्रीटमेंट इन पी एंड एल अकाउंट एंड इन बैलेंस शीट, बताओ जी कहां कहां पर कितने कितने अमाउंट आए। 0.5% और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे 1%। डन, बैलेंस शीट में डेटर्स की नेट वैल्यू या क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 59,103। आपकी एनी अदर आंसर? 54,103। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स
59103, 54103, 58, 58505, ये तो आ चुका. ओके यस सॉरी 50, ये तो रिपीट हो गया ना, ये पहले भी आ चुका. ये आया ना आंसर, ऐसे आंसर लाओ पॉइंट. ये देखो इसमें मजा ही नहीं है, डेसिमल ही नहीं है. 59133. और कोई आंसर? 60 88. ₹60,088. देखो क्वेश्चन क्या, मैंने सबको अलग अलग दिया, एक ही क्वेश्चन है और आंसर रिपीट वाले काट देता हूं, ये कट गया, सेम है क्योंकि ऊपर बस 1 2 3 4 5 आ चुके हैं और कुछ यहां पर साइलेंट भी हैं लोग जिनके आंसर अलग आ रहे होंगे, मैं मान सकता हूं, पर वो किसी भी वजह से बता ही नहीं पा रहे. तो ये 10 आंसर तो पक्का है, 10 आंसर एक क्वेश्चन, कैसे पॉसिबल है? इंस्टीट्यूट तो एक ही आंसर को के सॉल्यूशन को करेक्ट मानेगा. बताओ तो क्यों ऐसा हो रहा है कि एक क्वेश्चन में सबके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूर कहीं ना कहीं मिस हो रही है. आओ जी इसको स्टार्ट करते हैं. कॉन्सेप्ट हमें पता है एटलीस्ट इतना कि जो चीजें एडजस्टमेंट में वो कहां आएंगी, दो बार आएंगी. ओके और कैसे कैसे आएंगी उसको हम देखते हैं. दिस इज अवर पी एंड एल अकाउंट और ये हो गया बैलेंस शीट की एसेट साइड. मुझे एसेट साइड पे काम करना है, लाइबिलिटी का तो यहां पर कुछ वर्क है नहीं. और ये हो गया सन्ड्री डेटर्स. जैसे जैसे मैं कोई भी चीज यहां पर लिखूंगा मैं उसको टिक करता रहूंगा, आइदर इन ट्रायल बैलेंस और इन एडजस्टमेंट. ट्रायल बैलेंस फिगर विल कम ओनली वंस एंड एडजस्टमेंट विल कम टू टाइम्स. तो सन्ड्री डेटर्स का 1 लाख मैंने उठा के यहां पर लिख दिया, ठीक है. यहां पर मैंने इसको कर दिया टिक. व्हाट्सएप में होता है ना डबल टिक आता है ऐसे और ऐसे, तो एडजस्टमेंट में आपको ऐसा टिक चाहिए और ट्रायल बैलेंस में यू नीड ओनली वन टिक. ओके सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू यहां पर होगा. इसका काम हो गया और भी कहीं जाएगा? हो गया काम कंप्लीट, ट्रायल बैलेंस है एक ही जगह जाएगा. ओके जी बैड डेट है 40,000 रुपीज. बताओ जी क्या करूं? टू बैड डेट 40,000 माइनस बैड डेट 40,000. आप ये के और एल मत लिख के आ जाना, ठीक है. ये मेरे को अलाउड है बस वो भी क्लास में, क्योंकि यहां पर मैं जीरो लगाऊंगा तो हमारा मेन फोकस कहीं और चला जाएगा. तो ये हमारे पास आ गया 60,000. क्या मैंने बैड डेट के दो काम कर दिए? हो गए पी एंड एल में भी डेबिट कर दिया और यहां से माइनस भी कर दिया. उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? उसके बाद वो कह रहे हैं प्रोविजन है डाउटफुल डेट का 1% ऑन डेटर्स. ये जो 1% लगेगा ये 1 लाख पे लगेगा या 60,000 पे लगेगा? माइनस 1% प्रोविजन कितना हो गया? 600 हो गया. ओके इसका प्रोविजन बनाते वक्त क्या मुझे इससे कोई मतलब होना चाहिए कि 1,000 का मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ है तो मैं 600 का बनाऊ ही क्यों? ऐसा मैं सोचता हूं क्या इस टाइम? नहीं सोचता. तो अब ये कितना आ गया? लेकिन मुझे अपनी ये वाली एडजस्टमेंट तो कंप्लीट करनी है. 1% प्रोविजन बनाना है तो मैंने 600 बना लिया. मैंने एक काम कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया. एक टिक लगा देता हूं, दो टिक नहीं लगा रहा, एक तो लगा सकता हूं. और यहां पर देखो आपको प्रोविजन बनाना है 600 का और एक्चुअल में प्रोविजन कितना आपके पास पड़ा हुआ है? तो आपको क्या और प्रोविजन बनाना पड़ रहा है या आपका प्रोविजन पिछला वाला भी और बच रहा है? तो डेबिट साइड पे आएगा कि क्रेडिट साइड पे आएगा? तो लिखो बाय प्रोविजन
400 आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अदरवाइज मैंने यहां पर किया क्या है, मैंने 600 लिया और उसमें से, सॉरी 1000 लिया और उसमें से 600 मैंने माइनस कर दिया, ये किया ना मैंने, तभी आया 400। तो 1000 वाला भी आ गया एक बारी और ये वाला भी आ गया दो बारी। एंड लास्ट एडजस्टमेंट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ऐसा तो प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में एग्जिस्ट भी नहीं करता। ये आपको मेंटेन करना है 0.5% मतलब 0.5% किस पे लू, 59,400 और 1,00,000। 59 यहां पर देखो और भी आंसर्स आए हुए हैं, 58,705 और 59,103 तो चलो हमारे पास भी है, बताओ कितना आएगा लेस 0.5% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और इसको इसमें से माइनस करो तो क्या आएगा, 59,103। इसका मतलब ये 59,103 के अलावा सारे आंसर्स बिल्कुल बिल्कुल गलत हैं। अब ये क्यों गलत है ये आप लोग खुद देखते रहो, कैलकुलेशन में गलती हो गई, बट हुई कहां पर मिस्टेक, यहां के बाद आपने ये फिगर की जगह कुछ और लिख दिया, वाई, कैलकुलेटर तो आपके पास है, आप तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लास 12 में तो हम ये बोल देते थे कि भाई गलती से मिस्टेक हो गई, कैलकुलेशन एरर है, बट अब तो आपको उसके लिए कैलकुलेटर है ना, तब तो आप लड़ते थे सबसे कि हमें कैलकुलेटर मिल जाए, अब आपको मिल चुका है, तो अब ये वाले तो एरर बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मार्क्स काट के जाएंगे आपके। और हमें क्या करना है, ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है ये तो अभी एक ही बार आया, ये तो अभी एक ही बार आया, तो दूसरी बार कहां पर आएगा, डेबिट और क्रेडिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, बिकॉज ये तो हमारे पास कभी प्रोविजन पड़ा ही नहीं हुआ था, हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आया, सो वी हैव टू राइट इट ऑन द डेबिट साइड ऑन, ओके। तो ये भी हो गया टू साइड, तो यहां पर अब आपको दिख रहा है मेरा ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट है, और अब आपकी जो भी मिस्टेक है वो आप उसको ठीक करो, ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। जब मैं आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगा एक एक एडजस्टमेंट इसीलिए करा रहा हूं कि वहां पर आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जिसका नेम है मैनेजर कमीशन, जिसमें बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी एंड में शॉर्टकट समझ लिया होता है, बोलो हाँ, कितनों को कॉन्सेप्ट पता है और कितनों को खाली शॉर्टकट पता है, सर हमें पता है बिफोर में ये करते हैं और आफ्टर में ये करते हैं, इतनी कहानी हम क्यों पढ़े, सीधा हम शॉर्टकट पे चलते हैं, बताओ शॉर्टकट के अलावा कॉन्सेप्ट किसको प्रॉपरली पता है, कौन है जिसको पूरे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट की नॉलेज है, बिफोर आफ्टर क्या होता है और हम इसको ऐसे ही क्यों करते हैं कि कुछ हम रेट प्लस कर देते हैं किसी में, किसी में नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं, किसी को भी नहीं पता, एटलीस्ट जो मेरे से क्लास ले चुके हैं उनको तो पता होगा, मैंने तो मेन क्लास में और डिटेल में समझाया। अच्छा मुझे बताओ जो मैनेजर को हम कमीशन है ये एक्चुअल में पेड कर देते हैं, ये आउटस्टैंडिंग रहती है, हम पे इसको कर ही नहीं सकते, रीजन बिंग मैनेजर को कमीशन किस पे मिलती है, प्रॉफिट पे मिलती है, तो प्रॉफिट क्या मैं साल के बीच में ही कैलकुलेट करके बैठ जाऊंगा, नो वो तो ईयर एंड पे होगा, बल्कि ईयर एंड पे भी लास्ट डेट तक नहीं होता, क्या आज 31 मार्च क्लोज हुई सबकी बैलेंस शीट बन जाती है, बन जाती है, नहीं बनती, तो आप जब बैलेंस शीट ही नहीं बनाई आपने, आपने P&L अकाउंट ही नहीं बनाया, प्रॉफिट ही नहीं कैलकुलेट किया, तो कमीशन भी कैसे दो, सर हमारे तो भैया एक जगह पे काम करते हैं उनको तो हर मंथ की कमीशन मिलती है, तो वो उनको कैसे कमीशन मिलती है, बताओ आपको लगता है कि वो प्रॉपर बुक्स एंड अकाउंट वहां पर फिर बनते होंगे, यस, क्या उनकी एंटिटी प्रॉफिट पे कमीशन उनको देती होगी, वहां पर जो उनको कमीशन मिलती भी है अगर वो उन्हें मिलती है सेल्स के बेसिस पे, और सेल्स ऐसी चीज है जो आपको रेगुलर पता चल सकती है बट प्रॉफिट आपको रेगुलर नहीं पता चल सकता, क्योंकि प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए बहुत तरह के एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ता है, और वो एक्सपेंसेस कोई एक दिन के नहीं होते, वो पूरे साल के होते हैं जो हम P&L में या ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करते हैं, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट प्रॉफिट विदाउट क्लोजिंग ऑफ द ईयर। तो जो कमीशन अगर मिलती भी है ना, कभी आपने सुना होगा उनको तो हर मंथ इतनी फिक्स सैलरी मिलती है और इतनी वेरिएबल कमीशन मिलती है, वो सेल्स के बेसिस पे मिलती होगी, और यहां पर जो हमारा मैनेजर कमीशन का कॉन्सेप्ट है वो किस पे है, प्रॉफिट के ऊपर, दिस इज द मेन डिफरेंस, ओके। मैनेजर कौन होता है, क्या मैनेजर बिजनेस का मालिक होता है, कौन होता है, तो ये भी एक एम्प्लॉई ही होता है, आप आफ्टर क्वालिफाइंग सीए
अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाते हो या आईटी सेक्टर में भी जाते हो तो आपको भी मैनेजीरियल लेवल की पोस्ट ही मिलेगी, तो क्या आप कंपनी के ओनर बन जाओगे सीए बनते ही? बताओ नो। तो वहां पर आप बस एक एम्प्लॉय होते हो, आप अपने आप को एक सीनियर एम्प्लॉय बस मान सकते हो। ओके, तो ये भी इसका भी जो खर्चा होता है कंपनी के ऊपर एज एन एक्सपेंस सैलरी की तरह ही पड़ता है, और यहां पर अगर कमीशन है तो वो भी ऐसे ही इसका खर्चा पड़ेगा। तो अगर मान लो एक फर्म का नेट प्रॉफिट है से 2 लाख रुपए, ध्यान से क्वेश्चन के स्टैट्स को देखना, 2 लाख रुपए कंपनी की का नेट प्रॉफिट है या फर्म का नेट प्रॉफिट है, और मैनेजर कमीशन या फर्म देती है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। ये लैंग्वेज ऐसी लिखी क्यों होती है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन? एनी का क्या मतलब है? क्या 10 लोग हैं जिनको कमीशन मिल रही है? ऐसा तो नहीं है, एक ही मैनेजर होता है उसी की कमीशन की बात चल रही होती है। स्टिल ये लैंग्वेज इसी वे में लिखी होती है कि अगर इनकेस और भी मैनेजर्स ज्वाइन करते हैं हमारी फर्म में तो उनको भी जो नेट प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट में से चार्ज होके नहीं मिलेगा, मतलब जो हमारा प्रॉफिट आया पूरा पूरा उसी में से 10% देते बिफोर। इधर आप बिफोर को कम मत समझना, हमारे माइंड का सेटअप ये होता है हम बिफोर को कम समझते हैं हमेशा और आफ्टर को ज्यादा समझते हैं कि वो बाद में होता है, ऐसे ही सोचते हो ना आप लोग भी, तो हम उस हिसाब से अगर सोचेंगे हम कॉन्सेप्ट को बिल्कुल उल्टा कर देंगे। मेरे को अगर कमीशन मिलेगी प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन तो ज्यादा मिलेगी, या मेरी कमीशन प्रॉफिट से चार्ज होके जो प्रॉफिट बचेगा उस पे कमीशन मिलेगी तो ज्यादा मिलेगी? बिफोर में मिलेगी। तो बिफोर को आप अंडर एस्टिमेट मत करना वर्ड की लैंग्वेज के हिसाब से कि बिफोर का मतलब कम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझो। हमने बचपन में क्वेश्चन पढ़े होते ना बिफोर आफ्टर वाले, पुट द साइन बिफोर वाली फिगर पे ऐसा होता है जैसे 15 और 20, आपको इधर ग्रेटर देन का साइन पुट करना, बताओ किसकी तरफ ओपन होगा? 20 की तरफ होगा, और इस तरफ पॉइंटेड होता है जो बिफोर फिगर होती है। तो ये सब चीजें हमारे कॉन्सेप्ट को भी खराब करती हैं जब हम एडवांस लेवल पे चीजें समझ रहे होते हैं। यहां पर बिफोर का मतलब है हमको फायदा होने वाला है अगर हमें फर्म बिफोर चार्जिंग एनी एक्सपेंसिस कोई भी चीज देती है। सारे एक्सपेंसिस ही चार्ज कर दोगे तो प्रॉफिट ही क्या बचेगा, उस पे दोगे कमीशन तो कुछ मिलेगी नहीं। तो यहां पर 10% ऑफ एनपी बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है तो कुछ करना ही नहीं हमें, सिंपली 10% मल्टीप्लाई बाय 2 लाख कितना हो गया? 20,000 हो गया। और ये ही अगर फर्म बोले नहीं 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 हम बिफोर चार्जिंग कैसे दें कमीशन जब कमीशन खुद भी हमारा खर्चा है, कमीशन क्या एक्सपेंस है कि नहीं है? है। और वो चाहते हैं कि अल्टीमेटली जो हमें लास्ट प्रॉफिट आया हम उस पे आपको कमीशन दें, तो जब उनको उस पे कमीशन देनी पड़ेगी तो जो मैनेजर की कमीशन है वो भी तो पहले माइनस करनी पड़ेगी। अब कॉन्सेप्ट बड़ा वियर्ड सा है, वो इसलिए वियर्ड है क्योंकि जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है वही आपको नहीं पता और वही आपको माइनस करनी है, तो मैं एक फिगर में से वो चीज माइनस कैसे करूं जो मेरे पास है ही नहीं, और फिर जो बचे हुआ अमाउंट होगा उस पे मेरे को कमीशन देनी है, तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझ में नहीं आता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हमें कमीशन को माइनस करना है, हमारे पास अमाउंट में कमीशन है नहीं, तो नेट प्रॉफिट अगर हमारे पास आ भी गया उसमें कमीशन हमने माइनस नहीं की, और उसके बाद जो कमीशन जो प्रॉफिट बचेगा उस पे हमें कमीशन देनी है, जब कमीशन ही नहीं है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन भी इन टर्म्स ऑफ अमाउंट नहीं आएगी, तो हम कैसे उसको सॉल्व करें? हम 2 लाख को 110% ले लेंगे, इसमें तो आपने अपने प्रॉफिट को इन्फ्लेट कर दिया। चलो मैं बताता हूं इसको आप और किस तरीके से कर सकते हैं। पहले हम डिटेल प्रॉफिट डिटेल्ड कॉन्सेप्ट में जाएंगे, उसके बाद हम इसको समझेंगे। हमारा प्रॉफिट तो फिक्स है यहां पर 2 लाख है, इधर लिखुआ इफ कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन। इसको पहले हम मैथमेटिकल एंगल से समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमें एक्चुअल में शॉर्टकट से कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हम एग्जाम्स में यहां पर शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंट्स के पेपर में आपको मैथ्स की तरह एक्स वाई जेड लेने की कोई जरूरत नहीं होती। तो मान लो नेट प्रॉफिट आपके पास यहां पर कितना है? 2 लाख है। ओके, लेस करनी है हमें मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन तो हमें पता ही नहीं कितनी है, इसको हमने मान लिया एम। तो बताओ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन क्या होगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन फिगर्स में नहीं मिलेगा, वेरिएबल कम फिगर्स में तो मिल सकता ना, 2 लाख माइनस एम, कुछ गलती की क्या मैंने? नो, इसी पे 10% देना है,
इसी पे 10% देना ना। ओके, तो मैनेजर कमीशन कितनी हो जाएगी उसको मैं लिखूंगा एम इक्वल टू, एम क्या है, एम मैनेजर कमीशन है, लेट मैनेजर कमीशन बी एम। एम क्या है, एम इक्वल टू 2 लाख नेट प्रॉफिट माइनस एम, इसका कितना परसेंट, इसका 10%, तो कितना हो गया एम, 2 लाख का 10% कितना होता है, माइनस 0.1 एम लिख सकता हूं, इसको यहां पर जाके प्लस करो, इक्वल टू 1818 1.8, तो मैं इसको लिख देता हूं 18182, ठीक है। ये मैनेजर कमीशन देनी पड़ेगी, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर अगर मैनेजर कमीशन हम कैलकुलेट करेंगे वो यही होगा। ओके, देखें इसको, नेट प्रॉफिट था 1 लाख रुपए, अब तो मेरे पास ये एम आ चुका है ना, सॉरी 2 लाख था, अब तो मेरे पास ये एम आ चुका है, तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूं कितना आया 18182, ये नेट प्रॉफिट था, ये मैनेजर कमीशन थी, बताओ कितना आया 18118, ये क्या हो गया नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन, और इस पे ही हमें 10% देना है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एनी कमीशन या मैनेजर कमीशन, बताओ जी अब मैनेजर कमीशन कितनी आ रही है, इसका 10% 1818.18 आ रही है, तो ये भी वही हो गया 18182, वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, हो रहे हैं कि नहीं हो पा रहे मुझे बताओ। और अल्टीमेटली तो मैंने कैलकुलेट ही यहां पर कैसे किया, 20,000 को डिवाइड बाय 1.1 कर दिया, और यही वो हमारा कॉन्सेप्ट शॉर्टकट की तरफ हमें लेके चला जाता है। ओके, मैंने यहां पर कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली 100/110 ही किया, जो हम रेट के लिए 10/100 कर देते थे, और इधर एक्स्ट्रा वो रेट ही प्लस हो गया, देखो कैसे 2 लाख का 10% अगर मैं डायरेक्ट कमीशन देता हूं इट बिकम्स 20,000, और 2 लाख इंटू 10/110 कितना आ गया, आगे कि नहीं आ गया। तो अल्टीमेटली तो आप एग्जाम में ये काम करके आ जाओगे, पर आपको स्टिल पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डोंट नो कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से कुछ मैन्युपुलेट होके बन जाता है। ओके, तो अगर बिफोर चार्जिंग आता है तो सिंपली नेट प्रॉफिट इनटू कमीशन रेट, और अगर आफ्टर आता है नेट प्रॉफिट इनटू कमीशन परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस कमीशन रेट। ओके, और ये चीजें कहां कहां पर जाती हैं इन आवर फाइनल अकाउंट्स, जितनी भी आई होंगी, और साथ में ये स्टेप में बहुत दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हम एंड में ये भी भूल जाते हैं, हम कर लेते हैं कैलकुलेशन मैनेजर कमीशन को यहां पर भी डाल देते हैं, इसको बाद में एज एन लाइबिलिटी दिखाना, ये स्टेप हमारा स्किप हो जाता है। और अगर आप बैलेंस शीट को एंड में कंपेयर करोगे तो दिखता है कि मैनेजर कमीशन वाला अमाउंट ही पेंडिंग है, अगर वहां से देख के डाल दो तो इट्स गुड, अदरवाइज आपको परेशान करती रहती है कि ये फिगर का डिफरेंस कहां से आ रहा है। तो ये होती है मैनेजर कमीशन हमेशा पेएबल मोड में या आउटस्टैंडिंग। ऑल राइट, नोटेड, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या जर्नल एंट्री होती है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ओके, यस एवरीवन, क्या जर्नल एंट्री होगी?
मैं यहां पर क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट रहा हूं, हम पार्टनरशिप में क्यों जा रहे हैं? आपके कोर्स में फाइनल अकाउंट्स खाली सोल प्रोप्राइटर का है, बताओ। पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू, ये तो क्लोजिंग वाली एंट्री है, ये तो एंट्री क्लोजिंग के टाइम पे की जाती है, ओके। वैसे ही एंट्री थोड़ी होती है, वैसे क्या एंट्री होती है? ये तो एंड ऑफ द ईयर पे होगी कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उस सबको पी एंड एल में ट्रांसफर लेके जाओ, दिस इज अ ट्रांसफर एंट्री। यस, अदरवाइज वैसे एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। पता ही आपको एंट्री कहां पर मिल जाएगी, आप क्लास 11th की बुक उठा के देखना टीएस ग्रेवाल की, आपको वहां पर एंट्री दिख जाएगी। बेसिक लेवल पे हमने यही पढ़ा था और उसके बाद हम बेसिक को छोड़ के सब जगह पे घूम के आ रहे हैं, और इंस्टीट्यूट को अभी बेसिक ही चाहिए सीए फाउंडेशन के लिए, वो यहां पर यही देखना चाहता है। देखो सीए के अंदर अपार्ट फ्रॉम सीए फाउंडेशन कोई अलग से तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, तो यहां पर वो अपना कोर्स स्ट्रक्चर डिजाइन करके यही देखना चाहता है कि बच्चों का बेसिक कितना स्ट्रांग है, इनको सीए कोर्स के अंदर एंट्री दी जाए या ना दी जाए, ओके। तो बेसिक तो आपको बहुत अच्छे से समझना है, आपका तो कोर्स ही 70-80% प्लस वन प्लस टू वाला है, इंटरमीडिएट में आप बहुत न्यू सब्जेक्ट्स एंड न्यू टॉपिक्स पढ़ते हो, तो उनको तो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना। फाइन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करते हैं बिकॉज इट इज ट्रीटेड लाइक एन एक्सपेंस, और कैपिटल क्या करते हैं, इसको रेज करते हैं बिकॉज लाइबिलिटी बढ़ गई। ये कॉन्सेप्ट किस हिसाब से चलता है? इट इज एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, पढ़ा होगा आप सब लोगों ने, जो भी पैसा लगाता है बिजनेस में दैट इज ओनर, उसकी वजह से बिजनेस के ऊपर क्या आ जाती है, लाइबिलिटी आ जाती है, और उसी के लिए बिजनेस बिजनेसमैन को क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, और वही इंटरेस्ट बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, एक्सपेंस बन जाता है, और क्योंकि ये वो इंटरेस्ट उसको कैश में तो नहीं देता ऑब्वियसली, ये उसके कैपिटल अकाउंट को और बढ़ा देता है, रेस कर देता है, जिसकी वजह से बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ जाती है और वो उसको क्रेडिट करता है, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस जर्नल एंट्री, क्लियर? कभी भी इसको मत भूलना। फाइन, तो अब हम इसको फाइनल अकाउंट से रिलेटेड कैसे लिंक कर सकते हैं? दिस इज योर ट्रायल बैलेंस, इधर आपको कैपिटल की फिगर दी हुई है 7 लाख रुपीज की, और एडजस्टमेंट में उन्होंने आपको बोल दिया प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट से 10%। बताओ क्या एंट्री करेंगे? कहां पर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? एंड सेकेंड एंट्री कहां पे? कैपिटल को क्या करूं? ओके, नोट इट डाउन। तो आप मेरे को ये वाली एंट्री बता रहे थे, पी एंड एल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस इज अ क्लोजिंग एंट्री। मैं आपसे एंट्री पूछ रहा था ये वाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस, और इससे क्या हो रहा है, पी एंड आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ रहा है। डन। इसी के ऑपोजिट कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, तो किस तरीके से हम उसको ट्रीट करते हैं? अच्छा, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है, ये बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है, तो जब ये इनकम है तो पी एंड एल के किस साइड पे आएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोवाइडेड एट 20%,
बताओ क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। ओके पी एंड एल में एज एन इनकम हम इसको दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2 लाख का 20% दैट इज 40,000 एंड बैलेंस शीट में कैपिटल है 5 लाख रुपीज। क्या यहां पर बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही माइनस होगा? तो ये कितना आ जाएगा 2,60,000। आप इसको अंडरलाइन करके नेक्स्ट लेवल पे लिखते हो, यहां पर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ओके नोट इट डाउन। तो आज की क्लास के बाद आप एडजस्टमेंट बहुत अच्छे से रिवाइज करके आएंगे जिससे नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्टली फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे। ओके डन। और हमारी 20 मार्क्स की अप्रोक्स प्रिपरेशन हो जाएगी इन जस्ट 2-3 क्लासेस अगर हम ये मान के चलते हैं कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, और 20 का नहीं आएगा तो कम से कम 15 का तो जरूर आएगा। नेक्स्ट इज गुड्स लॉस्ट बाय फायर। आग लगी और गुड्स जल गए, तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर अगर होगा तो क्या हमेशा ये पूरा का पूरा लॉस ही होगा? यस। इसमें क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है क्लॉज कि आपने कोई इंश्योरेंस करवाई नहीं रखी थी, या करवा भी रखी थी क्योंकि गुड्स लॉस्ट बाय फायर सम अदर सर्कमस्टेंसेस हुए तो आपको क्लेम कुछ नहीं मिलेगा, सो नो इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम नाम से आपके पास एक टॉपिक है सी इंटरमीडिएट में, वहां पर आप बहुत डिटेल में समझते हो कि इंश्योरेंस के क्लेम्स को कैसे सेटल किया जाता है, उसके अमाउंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ओके तो या तो कोई इंश्योरेंस से आपको क्लेम ही नहीं मिलेगा, या फिर कुछ केसेस में क्या होता है पार्शियल क्लेम मिलता है, और या फिर होल अमाउंट रिकवर्ड। अगर आपके गुड्स लॉस्ट हो गए तो क्लेम की फॉर्म में आपको गुड्स मिलेंगे या पैसा मिलेगा? पैसा मिलेगा। इसका मतलब गुड्स तो जो गए वो तो चले गए, और गुड्स हमारे कहां पर रिकॉर्ड होते हैं, तो इसका मतलब परचेज तो माइनस करनी ही पड़ेगी वेदर एनी इंश्योरेंस क्लेम इज देयर और पार्शियल और होल। इट डजंट मैटर कि आपको कितना अमाउंट मिल रहा है, वो अमाउंट ही मिलेगा, लेकिन परचेज तो जो गई वो परमानेंट चली गई। तो कई बच्चे क्या करते हैं, अगर उनको दिख रहा होता है होल अमाउंट रिकवर है, वो परचेज में से माइनस ही नहीं करते। क्या परचेज माइनस नहीं होंगी? परचेज तो पक्का पक्का माइनस होंगी। तो ये गलती भी आप मत करना। इधर हम एक एग्जांपल लेते हैं, से गुड्स लॉस्ट बाय फायर 50,000। ओके तो पहले केस में बताओ क्या क्या करूंगा मैं? इसके दो ट्रीटमेंट वैसे बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, आइदर रिड्यूस इट फ्रॉम परचेजेस और यू कैन राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड एज गुड्स लॉस्ट बाय फायर। आप कैसे भी कर सकते हो, कहीं पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा आपके जीपीएनपी पे। अब मैंने आपको बताया था गुड्स आपके लॉस्ट होंगे तो वो चाहे इंश्योरेंस क्लेम ना हो, पार्शियल हो, पूरा हो, वो तो होंगे। तो क्या ये इसको केस बेस्ड पैटर्न में देख बना लेते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो सेकंड वाले केस में क्या ट्रेडिंग अकाउंट का कुछ और ट्रीटमेंट होगा? तो ये सेम ट्रीटमेंट यहां पर भी फॉलो होगा और ये सेम ही ट्रीटमेंट यहां पर भी फॉलो होगा। ओके और अगर हम पी एंड एल की बात करें जहां पर हमारे पास कोई इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं है, तो क्या कुछ लॉस हम इधर रिकॉग्नाइज करेंगे या पूरा लॉस रिकॉग्नाइज करेंगे? तो पूरा का पूरा लॉस दैट इज 50,000 हम यहां पर लिखेंगे टू लॉस्ट बाय फायर या लॉस बाय फायर। और पार्शियल क्लेम में चलो हम मान लेते हैं कि 30% का आपको क्लेम मिलता है, यहां पर क्या क्या काम होगा? पी एंड एल अकाउंट में जो लॉस है वो कितना आएगा? टू लॉस बाय फायर 30% तो आपको रिकवरी हो रही है, दैट मीन 70% इररिकवरेबल है। 70% ऑफ 50,000 इज 35,000, और जो आपको रिकवरी हो रही है उसको हम कहां पर रिकॉर्ड करें?
ये एक तरीके से आपके डेटर्स की तरह ही ट्रीट होता है, आपको पैसा फ्यूचर में मिलेगा, कोई क्लेम एक्चुअल में लॉन्च करते वक्त ही आपको पैसा नहीं मिल जाता, इट टेक्स टाइम, प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है, आपके फिर बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं, वो सब चीजें होने के बाद ही वो एक्चुअल में आपको क्लेम आपके अकाउंट में जाके क्रेडिट होता है, इट टेक्स टाइम। तो जब तक वो क्रेडिट नहीं होगा तब तक हम उसको कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड, इंश्योरेंस क्लेम कितना, जितना फ्यूचर में मिलेगा 15,000, और अगर पूरा का पूरा अमाउंट रिकवर्ड है तो बताओ जी P&L अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, तो बेसिकली P&L अकाउंट बनेगा ही नहीं। क्यों बनाओगे, क्या आपको कोई लॉस हुआ, अल्टीमेटली गुड्स चले गए पैसा आ गया बस इतनी सी बात है, गुड्स चले गए पैसा आ गया बस इतनी सी बात है, लॉस तो कुछ हुआ ही नहीं। ओके, तो सारा का सारा आप अमाउंट कहां पर लिखोगे, बैलेंस शीट। तो इसके अलावा तो कोई केस बन ही नहीं सकता, तो यहां पर मैंने आपको तीनों केस आपके साथ डिस्कस कर लिए। ऑल राइट, डन, नोट करो फटाफट से। नेक्स्ट इज गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। आपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन फ्री सैंपल फॉर्म्स। ट्रायल बैलेंस इज शोइंग योर परचेजेस अमाउंट 5 लाख। Samples distributed 40,000। बताओ जी इसका क्या क्या ट्रीटमेंट होगा। टू परचेज 5 लाख, इसमें से माइनस हो जाएगा सैंपल्स या एडवर्टीजमेंट, आप कुछ भी लिख सकते हो, 40,000 रुपीज, और रिमेनिंग अमाउंट राइट साइड पे आ जाएगा 4,60,000। और कहां पर आएगा, और P&L में ही आ जाएगा टू एडवर्टीजमेंट। तो सर अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि जो भी चीजें एडजस्टमेंट में होती हैं आइदर इट कम इन ट्रेडिंग और P&L एंड इट विल कम इन बैलेंस शीट। मैंने उसके बाद भी आपको कुछ बोला था सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन, यहां पर वो एक्सेप्शन आ गई कि नहीं आ गई। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है कि एसेट है बताओ, तो एक्सपेंस है तो मैं इसको कहां कहां लेके जा सकता हूं बैलेंस शीट में, कोई लॉजिक ही नहीं बनता। इसलिए वो जो कंडीशन है वो सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन होती है, रट्टे नहीं मारने की वो चीज होगी ही होगी। हाँ दो काम जरूर होगा, दिख गए आपको दो काम, ये तो जरूर हो गया, यहां पर भी आ गया और यहां पर भी आ गया, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वो बैलेंस शीट में आएगा एक बार और दूसरी बार ट्रेडिंग P&L में। हाँ जनरल सेंस में ऐसा ही होगा but it is not in specific sense, okay, noted or not? Goods withdrawn as free samples, sorry ye to ho chuka hai, goods withdrawn by proprietor फॉर ऑन यूज। खुद ही गुड्स विड्रॉ कर लिए ओनर ने, ओनर को रात को शादी पे जाना था, उसका गारमेंट्स का काम था, उसने कोट सूट अपने लिए अपने शोरूम से ही ले लिया, क्या नहीं ले सकता वो, ले सकता है, पर लेने के बाद अकाउंटिंग कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। ट्रायल बैलेंस में यू हैव बीन गिवन कि परचेजेस कितनी है, परचेजेस में से 3 लाख रुपीज, और एडजस्टमेंट बोलती है कि गुड्स taken away for personal use 20,000। गुड्स अपने लिए लिए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स बोलते हैं। तो अब इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट, लेस
यहां पर लिखेंगे ड्रॉइंग्स, कैपिटल अगर होगी क्वेश्चन में, चलो हम यहां पर लिख लेते हैं, से कैपिटल है 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख लेस ओके, बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट है। ड्रॉइंग्स भी तो फर्म के लिए एक तरीके से एक्सपेंस ही है और थोड़ी कुछ होता है, तो उसी को आप यहां से हटा दो। ऑल राइट फाइन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जिसके बेस पे हमारा एक टॉपिक भी है, नेम ऑफ द एडजस्टमेंट इज गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, ट्रायल बैलेंस, सेल्स ऐसे 3 लाख की, और जो आपके डेटर्स हैं वो हैं, डेटर्स हैं 1 लाख के। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल कॉस्ट प्राइस 40,000, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। बताओ कैसे करेंगे इसको, सब लोग एक बार ट्राई करो। प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स, क्या क्या ट्रीटमेंट होंगे और इसके कहां कहां ट्रीटमेंट होंगे। ओके तो क्या क्या करेंगे ये बताओ, आप अपने आप इसको करो, एक बार इसको ट्राई करो ट्रेडिंग में या P&L अकाउंट में या बैलेंस शीट में, जहां पर भी जो भी आएगा उसको यहां पर आप एक बार नोट डाउन करो। ऐसी तो छोटी छोटी एडजस्टमेंट आपके बिग क्वेश्चन में आएंगी, हमने अगर एडजस्टमेंट्स को इंडिपेंडेंटली अच्छे से समझ लिया तो जो क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा उसको भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं। दिक्कत वहां पर आती है जहां पर हमें एडजस्टमेंट में ही इशू है, और आप देख लेना जब आप क्वेश्चंस करोगे आपको दिक्कत फिर से एडजस्टमेंट में ही आएगी, सारी एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही। तो अगर हम एडजस्टमेंट में ही बहुत ज्यादा एफर्ट लगा लें तो हमें अल्टीमेटली फुल फ्लेज क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जिस एसेट में, लाइबिलिटी में, एक्सपेंस में या इनकम में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, वो तो हमें पता ना कहां कहां पे आएंगी, उनमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, प्रॉब्लम ही उसमें होगी जिसके रिलेटेड कोई एडिशनल इन्फो भी आपको दी हुई। यस, सेल्स की वैल्यू, आपका प्रॉफिट कितना आया? यस 10,000 आएगा। आप बताओ अपने एडजस्टमेंट्स कहां कहां पर करी हैं? यस कर लो, बाकी सब लोग सॉल्व इसको फिर मैं आपको कराता हूं, बताओ जी क्या क्या करेंगे इसमें। पर एक एडजस्टमेंट अभी आपने यहां पर नहीं की, ओके मेरे पास शायद मैंने आपको उसका डाटा नहीं दिया, या मैं दे देता हूं आपको, चलो मैं आपको लिख देता हूं, अदरवाइज नहीं भी है तो हम उसको क्रॉस करके भी लिख सकते थे। ये लो,
अब इन दोनों एडजस्टमेंट के हिसाब से आप करो पूरा क्वेश्चन। यहां पर आपके पास दो एडजस्टमेंट है, एक है क्लोजिंग स्टॉक की और दूसरी है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल की। इन दोनों एडजस्टमेंट को फाइनल अकाउंट्स में कहां कहां पर कैसे कैसे प्रेजेंट करना, दिस इज अवर क्वेश्चन। इसको फटाफट से सब लोग ट्राई करें। ओके, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सबकी कितनी आ रही है और सेल्स की क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ रही है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। जिन्होंने नहीं किया वो फटाफट से इसको देखना, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल्स, सेल्स आपने की 300,000 रुपए की। सेल्स में से जो गुड्स आपने अप्रूवल पे भेजे हुए हैं जिसके बारे में आपको अभी तक कुछ नहीं पता, क्या हम उसको सेल्स मानेंगे या सेल्स में से हटा देंगे? साल खत्म हो गया अभी तक अप्रूवल ही नहीं आया, क्या हम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा दें जो बोलता है डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, कि आपको बिना बात के कोई प्रॉफिट नहीं मानने, हाँ लॉस आप पहले भी एंटिसिपेट कर सकते हो। और यहां पर सेल, उस सेल को रिकॉर्ड करना जिसके बारे में अता पता नहीं है, क्या इनडायरेक्टली मेरे प्रॉफिट को नहीं बढ़ाता? बढ़ाता है, तो मुझे यहां से हटाना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस 300,000 की सेल में से कितने अमाउंट का मैं गुड सेंट ऑन अप्रूवल हटाऊं, माइनस गुड सेंट ऑन अप्रूवल। क्या ये सेल्स वैल्यू पे सेल में ऐड हुआ होगा या कॉस्ट प्राइस पे ऐड हुआ होगा? तो हटेगा भी क्या सेल्स वैल्यू से या कॉस्ट प्राइस से? तो सेल वैल्यू निकालेंगे कैसे जब हमें यहां पर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट भी कॉस्ट पे ना देके उन्होंने सेल पे दिया हुआ है? बताओ कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट है 20% ऑन सेल्स, प्रॉफिट है 1/5 ऑन सेल्स भी मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? परसेंटेज को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, क्या दिक्कत है? इसका मतलब क्या है, जब 5 रुपए की सेल होती है तो 1 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो बताओ कॉस्ट कितने की होगी? तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 1/4 ऑन कॉस्ट। ये सब टेक्निक अगर आप लोगों ने मेरी पहले क्लासेस देखी हैं, करी हैं, तो आपने बहुत बार बहुत जगह देखी होगी, अदरवाइज कहीं और भी आपने पढ़ा है तो ये टेक्निक तो आपने जरूर देखी होगी। ये सबसे इजीएस्ट और शॉर्टकट टेक्निक है जिसमें ना आपको कुछ एक्स वाई जेड लेना पड़ता है और आप इसको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो। अगर नहीं आती टेक्निक इसको समझो, सीखो, आगे के भी जो आपके लेवल्स हैं सीए में उसमें भी ये टेक्निक्स को यूज किया जाता है। ओके, तो 1/5 ऑन सेल्स इज इक्वल टू 1/4 ऑन कॉस्ट। कॉस्ट कितना है? 40,000, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1/4 ऑफ 40,000, मतलब हम 10,000 का प्रॉफिट कमा रहे थे जो हमने गुड्स भी भेजे थे अप्रूवल बेसिस पे। वो पता लगा अप्रूवल नहीं मिला, तो इसका मतलब वो जो हमने गुड्स भेजे वो कितने सेलिंग प्राइस पे हमने भेजे होंगे। मैं वर्ड बार बार भेजे बोल रहा हूं, मैंने बेचे नहीं बोला क्योंकि बेचने का कंफर्मेशन तो आया ही नहीं है। तो बताओ इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? कॉस्ट थी 40,000, 10,000 हम प्रॉफिट ले रहे थे, 50,000 के हमने गुड्स भेजे थे। तो यहां से अब मैं 40,000 हटाऊं या 50,000 हटाऊं? तो गुड्स हमारे पास कितने रह गए, या हमारे पास जो सेल की फिगर हुई वो हो गई 2,50,000 रुपए। ठीक है, ये हो गई सेल्स की फिगर। ऐसे लिखते नहीं, आपको पता है फाइनल अकाउंट में राइट साइड पे लिखा जाएगा, पर अभी हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं। और क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा यहां पे। सर क्लोजिंग स्टॉक में क्या करना है? 70 यहां पर लिख दो डायरेक्टली, और थोड़ी कुछ यहां पर हमें करना है, बोलो। हाँ ओके, तो सर ये जो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल 50,000 है ये आप 70 में जोड़ दो, 120 कर दो, बोलो। हाँ कितना करेंगे? 40 करेंगे, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो हम इधर ऐड करेंगे गुड सेंट ऑन अप्रूवल, लेकिन उसकी कॉस्ट प्राइस जो कि कितनी है 40,000, और क्लोजिंग स्टॉक आएगा 120। अब क्लोजिंग स्टॉक जब यहां पर 120 है तो बैलेंस शीट में क्या कुछ और हो जाएगा? चलो यहां पर मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, सॉरी 110, बैलेंस शीट एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? अगेन 110। क्या इस डेटा से रिलेटेड और कुछ भी आएगा बैलेंस शीट में? बताओ। डेटर्स से हमारे 3,00,000 रुपए के, लेकिन कुछ गुड्स हमने ऐसे भेजे थे जो एक्चुअल में बिके नहीं, तो वो भी मेरे डेटर्स बन ही नहीं सकते, तो उनको भी मेरे को माइनस करना पड़ेगा।
जब मैं किसी को डेटर बनाता हूं, क्या कॉस्ट प्राइस पे बनाता हूं या सेल प्राइस पे बनाता हूं? तो जब वो डेटर हटेगा, वो कॉस्ट प्राइस से हटेगा कि सेल प्राइस से हटेगा? तो माइनस करो डेटर को सेल प्राइस से, सेल्स मेड ऑन अप्रूवल बेसिस, ऐसे लिख सकते हो, और वो अप्रूवल आया ही नहीं। कितने की सेल थी? 50,000 की, हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसका मतलब हमारे क्लोजिंग डेटर्स कितने हो जाएंगे? 2.5 लाख। तो आप देखो ये वाला क्वेश्चन एक फुल फ्लेज क्वेश्चन में कैसा और टेक्निकल बन सकता है। आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट दी होंगी, जैसे पहली एडजस्टमेंट तो फिक्स हो चुकी है क्लोजिंग स्टॉक की मोर और लेस, उसके बाद कुछ एक आधी आउटस्टैंडिंग की उन्होंने दे दी, फिर उन्होंने लिख दिया बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, और एंड में उन्होंने एडजस्टमेंट ये लिखी मान लो 6th 7th पॉइंट पे गुड सेंट ऑन अप्रूवल। मुझे बताओ जब आप डेटर्स की फिगर को बैलेंस शीट में कैलकुलेट कर रहे होगे, क्या आप इस डेटर्स में से इस सेल को 50,000 को एंड में माइनस करोगे या फिर पहले माइनस करके फिर बैड डेट माइनस करके फिर प्रोविजन और डिस्काउंट वगैरह करोगे? स्टार्टिंग में करेंगे, इस बात को ध्यान देना। पहले हम अपनी डेटर्स की फिगर को ठीक करते हैं, अगर वो फिगर ही ठीक नहीं है तो उस पर प्रोविजन 2% डिस्काउंट 0.5% लगाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं चलता, पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। और ये मत सोचना सर उन्होंने तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से 6th पॉइंट पे दिया था इसलिए मैं वो पहले ही कर चुका था। आप उसको काट के दोबारा करो या पहले क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करो, करना तो आपको वही पहले पड़ेगा, मतलब ये फिगर पहले माइनस करनी पड़ेगी, चाहे एंड में भी और होगा एंड में भी, वो भी आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं। ओके, तो उसी के लिए आपके पास 15 मिनट्स है रीडिंग टाइम, आराम से रीड करो, उसके हिसाब से आप एनालाइज करो। बाकी सब एडजस्टमेंट मोर और लेस इंडिपेंडेंट होती है इसलिए उसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां पर डेटर की फिगर को रेक्टिफाई करना पड़ता है वहां पर आप डेटर की फिगर को सबसे पहले रेक्टिफाई करते हो और उसके बाद आप बाकी प्रोविजन वगैरह की परसेंटेज को कैलकुलेट करते हो, क्योंकि जब आपकी मेन फिगर ही अलग होगी तो उस पर जो आप परसेंटेज भी लगा रहे हो वो भी क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। जहां प्लस माइनस करना होता है वहां कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 500 पहले किया या बाद में किया, इट डजंट मैटर, लेकिन जब परसेंटेज की बात होती है वहां पर आपका आंसर क्या हो जाता है? डिफर कर जाता है। सबको ये मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, तो यहां पर हमारी सारी की सारी मोर और लेस एडजस्टमेंट्स हो जाती है कंप्लीट। कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो डायरेक्ट नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं इंप्लाइड एडजस्टमेंट। ये सबने नोट डाउन कर ली ना, उसको हम बोलते हैं इंप्लाइड एडजस्टमेंट। ये किस तरीके से आपके क्वेश्चंस में आ सकती हैं? फॉर एग्जांपल ये है आपका ट्रायल बैलेंस 10% बैंक लोन 2 लाख रुपए टेकन ऑन 30th जून 2020। बस ये दिया हुआ, क्या आपको अलग से कहीं एडजस्टमेंट दी हुई है? नो। तो ये कौन सी एडजस्टमेंट होती है? इंप्लाइड एडजस्टमेंट। बताओ जी क्या करेंगे इसका हम ट्रीटमेंट? क्या करेंगे जी फाइनल अकाउंट में कहां कहां पे क्या क्या होगा? बताओ कितना लगेगा अमाउंट में बताओ। तो हम ये करेंगे पी एंड एल अकाउंट में 2 इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 10,000 लिखेंगे। क्यों? 5,000 तो ऑलरेडी है प्लस आउटस्टैंडिंग, कितना बनता है टोटल इंटरेस्ट पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट बनता है 2 लाख का 10%, लेकिन आगे भी कुछ करना पड़ेगा। 30th जून को लिया मतलब 9/12 ये आ गया 15,000 रुपए। 15,000 रुपए में से 5,000 रुपए तो ऑलरेडी पेड है हमारे ट्रायल बैलेंस में, तो कितना आउटस्टैंडिंग में? 10,000 रुपए। तो इधर ऐड करेंगे खाली 10,000 और 15,000 लिख देंगे साइड में, और बैलेंस शीट के कहां पर क्या क्या चीजें आएंगी?
क्या मैंने बैंक लोन पे कर दिया, तो सबसे पहले तो आएगा 10% बैंक लोन, कितने अमाउंट के लिए, 2 लाख, और इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आउटस्टैंडिंग कितना आउटस्टैंडिंग है। तो ये एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंप्लाइड एडजस्टमेंट। ये भी आपके क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं हो सकती है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, नोट करो। सबके पास नोट्स या बुक्स हैं? यस। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। ये जरूर आप में से कई बच्चों ने ट्राई जरूर किया होगा कभी ना कभी। क्वेश्चन नंबर 23। ओके, इस क्वेश्चन में आपको अपने माइंड को एनालिटिकल फॉर्म में लेके जाना है, मतलब जंबल्ड वे में चीजें यहां पर चल रही हैं और आपको उस हिसाब से एक एक चीज को एक्सट्रैक्ट आउट करना है। आपने कभी एक गेम खेली होगी जिसका नाम होता है सुडोको, खेली हुई है? उसमें क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स में नंबर्स होते हैं और कोई भी नंबर वहां पर रिपीट नहीं हो सकता, और उसके हिसाब से हमें सोच के नंबर को वहां पर पुट करना होता है ताकि हमारी पूरी गेम सॉल्व हो जाए। कुछ कुछ जगह पे खाली एक ही ब्लैंक होता है तो वो तो बहुत ही सिंपल है। अगर 0 to 9 नंबर्स आएंगे और एक बॉक्स ब्लैंक है तो मैं सबको देख के जो वहां पर नहीं है वहां पर पुट कर दूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 2 ब्लैंक्स होते हैं, 3 भी ब्लैंक्स होते हैं, वहां पर मेरे को रो कॉलम सब वे में देखना होता है। तो यहां पर भी उसी तरीके से मेरे को कुछ एनालाइज करना है और मुझे समझना है कि मैं किस तरीके से एक एक फिगर को कैलकुलेट कर सकता हूं। ओके, ये एग्जाम का क्वेश्चन है और इस तरीके का कोई सिमिलर क्वेश्चन दोबारा से भी आ सकता है। तो पढ़ते हैं इसको। मिस्टर बिरला इज अ प्रोप्राइटर एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सेप्ट फ्रॉम हिज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इज एज फॉलोस। आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर आपको मिल जाए तो इनडायरेक्टली आपको बताओ क्या क्या मिल जाता है। क्या आपको सेल मिल जाती है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाए, कॉस्ट किसकी, जो गुड्स बेच दिए, इंग्लिश से समझो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक तरीके से हम प्रॉफिट निकालते ही कैसे हैं, हम प्रॉफिट निकालते हैं हमने जो गुड्स बेचे माइनस उस गुड्स को बेचने में हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई, वही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। यस और नो? और प्रैक्टिकली भी तो यही मीनिंग होता है, हमने एक चीज बेची तो कोई पूछेगा भाई आपको उस चीज को बेचने में खर्चा कितना आया, तभी तो प्रॉफिट बता सकते हैं हम। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट के हिसाब से समझूं, स्टार्टिंग का स्टॉक भी इसके अंदर है और परचेज किया वो भी इसके अंदर है, अगर आपने और कोई खर्चे किए डायरेक्ट नेचर के वो भी इसके अंदर है, लेकिन क्योंकि ये गुड सोल्ड है कॉस्ट ऑफ ऑल गुड्स नहीं है तो इसमें से हमको क्या हटाना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज नेवर सोल्ड एंड वी हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और यहां पर हमें वही कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है तो फिर हम ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस और क्लोजिंग स्टॉक को ढूंढने की कोई कोशिश नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी उसी का इक्वल है,
इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक भी आ गया, परचेज भी आ गया, डायरेक्ट एक्सपेंस भी आ गया और क्लोजिंग भी माइनस हो गया। क्या आपको ये चारों चीजें यहां पर दिख रही हैं? नो, सेल्स हमारे पास है नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है नहीं। अच्छा ये तो इसका टोटल होगा, ये भी इसका टोटल। रेंट हमारे पास है, ऑफिस एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस भी नहीं है, कमीशन टू मैनेजर वो बोल रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग दी हुई है तो सिंपल हो गया। और ए इज योर नेट प्रॉफिट, जी इज टोटल, कमीशन को चार्ज करना है 10% के हिसाब से, सेलिंग एक्सपेंस है 1% ऑफ टोटल सेल, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मिसिंग फिगर। बताओ जी इसको हम कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे। देखो खुद कमीशन 2,00,000 रुपए है और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 10% है, तो आप बता नहीं सकते कि किस अमाउंट का 10% है, 20 लाख का। ये तो हम बिना कैलकुलेटर उठाए पेन चलाए भी बता सकते हैं, बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बट अगर आपको 8-10 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी करनी पड़ेगी। वहां पर आप बस ए बी सी डी एफ जी की फिगर से लिख के आ सकते। तो कितना हो गया, कितना हो गया कमीशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% है ना? क्या ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये बिफोर है कि आफ्टर है? तो फिर 2,20,000 क्यों होगा? सिंपली 20 लाख उसका 10%। बिफोर वाले में यही पढ़ाया था ना कि आपको सिंपली क्या पढ़ाया था, भूल गए? वो आफ्टर में था कि बिफोर में था जो आप कॉन्सेप्ट मुझे बता रहे हो? ये देखो बिफोर में तो आपको डायरेक्टली नेट प्रॉफिट से कमीशन की परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है। ओके, किसी को नेट प्रॉफिट दिया हो ना और परसेंटेज ऑफ कमीशन दियो तो अमाउंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब आपको अमाउंट दे दिया और कमीशन का परसेंटेज दे दिया तो नेट प्रॉफिट निकालने में क्यों दिक्कत होगी? आपको उन्होंने ये दे दिया, नेट प्रॉफिट इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन इक्वल टू कमीशन अमाउंट, होता है कि नहीं होता? होता है। इन्होंने आपको क्या क्या दिया, नेट प्रॉफिट अब आपको निकालना है तो इक्वल टू ए कमीशन अमाउंट डिवाइडेड बाय परसेंटेज कमीशन नहीं हो जाएगा? यही तो मैं कर रहा हूं। कमीशन का अमाउंट कितना है यहां पर, 2 लाख और परसेंटेज कितनी है, 10%, तो 20 लाख नहीं हो जाएगा? क्या दिक्कत है इसमें बताना जरा? यस, ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। दिक्कत तो तब थोड़ी सी हो जाती है अगर वो आफ्टर देते, वो तो उन्होंने दिया ही नहीं, पर अब तो आफ्टर के बाद भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 20 लाख। अब बताओ जी नेक्स्ट स्टेप हम क्या ले सकते हैं इस क्वेश्चन को देखते हुए? अच्छा यहां पर, हाँ वैसे वो 20 लाख है पर यहां पर माइनस करके वो आएगा, ठीक है, जो आपने इस हिसाब से बताया था, क्योंकि आपको तो माइनस करना पड़ेगा ना। यस, चलो और बताओ, यहां पर 60 लाख ऑलरेडी है, क्या जी की फिगर कुछ अलग हो सकती है? यहां पर भी मैंने लिख दिया 60 लाख। और बताओ जी, आपको ये पॉइंट दिया हुआ, ये बहुत काम का है, 1% ऑफ टोटल सेल्स सेलिंग एक्सपेंस, और सेलिंग एक्सपेंस 1 लाख हो जाएगा, ठीक है, तो लिखो यहां पर 1 लाख रुपए। और बताओ नेक्स्ट स्टेप हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 1 करोड़, क्योंकि 1 लाख को जब आप डिवाइड करोगे 1% से इट बिकम्स 1 करोड़ रुपीज। तो अब हमारे पास यहां पर क्रेडिट साइड तो पूरी पूरी आ गई, 45 लाख ऑलरेडी फिक्स्ड था, तो कितना बचा, ये भी हो गया 1 करोड़। अब क्या क्या बचा, ये जीपी तो यहां पर सेम ही आएगा, ये टोटल 60 लाख है, 60 माइनस 55 कितना होता है, तो ये तो हमने यहां पर ही कर दिया पूरा क्वेश्चन सॉल्व, बट अल्टीमेटली आपको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप मैनर में करना है। ओके, आप वहां पर एक एक चीज को यहां पर क्या करोगे, शो करोगे। एक टर्म और पढ़ते हैं, एक टर्म और पढ़ते हैं, ये तो हमने पढ़ ली। नेक्स्ट टर्म इज एडजस्टेड परचेजेस, इसका क्या मतलब होता है, व्हाट डज एडजस्टेड परचेजेस मींस, बताओ जी फटाफट से, एडजस्टेड परचेजेस क्या होती है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो फिर नेट परचेजेस क्या होती है, वो भी यही होती है, बताओ। एडजस्टेड परचेज नाम की टर्म आपने कभी नहीं सुनी, तो फिर बताओ ना क्या होती है,
नेट परचेजेस होती है परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न। यस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, एब्सोल्युटली करेक्ट। और यहां पर जो भी परचेज है ये तो कॉमन सेंस है कि वो नेट ऑफ रिटर्न ही होगी, वो तो नेट ऑफ रिटर्न ही होगी, चाहे हम सीओजीएस की बात करें चाहे इसकी करें। तो ये भी आप लिख लो, आपको एग्जाम में एडजस्टेड परचेज नाम से भी टर्म आ सकती है। आप इसको अगर नेट परचेज समझोगे तो आप ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को भी अलग से लोगे और आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल गलत। ओके क्वेश्चन नंबर 20th देखो, सी क्वेश्चन नंबर 20th, क्वेश्चन नंबर 2020। सेन गुप्ता एंड कंपनी एम्प्लॉयज अ टीम ऑफ 8 वर्कर्स हु वर पेड ₹30,000 पर मंथ ईच इन द ईयर एंडिंग 31st दिसंबर 2015। सेन एंड गुप्ता एक कंपनी है जिसके अंदर कितने वर्कर्स काम करते हैं, 8 वर्कर्स, जिनको 30,000 पर मंथ दिया जाता है फॉर द ईयर एंडिंग 31st दिसंबर 2015। एट द स्टार्ट ऑफ 16 द कंपनी रेज्ड सैलरीज बाय 10% टू 33 पर मंथ ईच। 30,000 का 10% क्या बढ़ेगा, 33 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो उन्होंने भी 10% क्या कर दी, सैलरीज बढ़ा दी। अब क्या हुआ, 1 जुलाई 2016 को, ये तो 31st दिसंबर 2015 की कहानी है, कैलेंडर ईयर ओवर, ये कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं। ओके 2016 में इनकी सैलरीज बढ़ गई। अब उसमें भी 6 महीने के बाद 1 जुलाई से कंपनी ने हायर कर लिए 2 ट्रेनी भी एट अ सैलरी ऑफ 21,000 पर मंथ ईच। द वर्कफोर्स आर पेड सैलरी ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ 1 मंथ इन एरियर्स। हमेशा ऐसे ही होता है, आप किसी फर्म में जॉब करते हो या तो वो 1 महीने की सैलरी आपको लास्ट डे ऑफ दैट मंथ दे देंगे या फिर वो आपको नेक्स्ट मंथ की 5th को 7th को या 10th को किसी भी बेसिस पे दे सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है उस मंथ के क्लोज होने से बहुत पहले तो नहीं देंगे, बिकॉज अभी आपने पूरी सर्विस ही रेंडर नहीं की है। तो ये भी ऐसे ही करते हैं, ये क्या करते हैं, आर पेड फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ, ये फर्स्ट वर्किंग डे पे दे देते हैं अगले महीने की, और 1 महीने हमेशा एरियर्स में रहता है। सो दैट द एम्प्लॉयज रिसीव देयर सैलरी फॉर जनवरी ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब, मतलब जनवरी की सैलरी मिलेगी 1 फेब को, फेब की कब मिलेगी, 1 मार्च एंड सो ऑन। आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ सैलरीज विच वुड बी चार्ज्ड टू P&L। अब P&L में जो सैलरी चार्ज होगी वो क्या कैश पेमेंट मोड के हिसाब से होगी, नो, कितना एक्सपेंस बनता है उस हिसाब से होगी। तो आपको कैलकुलेट करना है 31st दिसंबर 2016 तक कितना सैलरी का एक्सपेंस, पहला क्वेश्चन। दूसरा एक्चुअल में भी आपने कितना पे किया, तो कैश बेसिस भी आपसे पूछ लिया आपने 16 में एक्चुअली कितना पे किया। और थर्ड वन 31st दिसंबर 2016 को कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, कितना आपने पे नहीं किया। ऑल राइट 31st दिसंबर 2015 तक तो आपके पास फर्स्ट लाइन में डाटा है, उसके बाद जो चेंजेस हैं वो 16 से रिलेटेड ही हैं। सब लोग इसको ट्राई करो, ट्राई दिस क्वेश्चन, इसमें आपके आउटस्टैंडिंग
कैश अक्रूवल के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। टेक योर टाइम, बहुत इजीली बहुत आराम से इसको कैलकुलेट करो। आपको कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड स्टडी करनी है, अगर किसी ने क्वेश्चन पहले भी किया है तो उसका उसका जो ट्रैक है वो अपने माइंड में मत लेके आना कि तब ऐसे किया था, ये आंसर था, वो सब भूल जाओ। बिल्कुल इंडिपेंडेंटली मोड में इसको करो। कैलकुलेटर सब लोग यूज करो, ये मोबाइल को कैलकुलेटर बनाने की आदत बंद करो। एग्जाम में मोबाइल अलाउड होगा? अभी तो करो, अब तो करना पड़ेगा, अभी तो ऐसे ही करो। सब लोगों के पास एक प्रॉपर कैलकुलेटर होना चाहिए, जो आप एग्जाम के लिए भी वही कैलकुलेटर लेके जाओगे। अदरवाइज अगर आपने उस टाइम पे या अभी कोई खराब से कैलकुलेटर से काम कर रहे हो कि तब न्यू लेंगे, आपके हैंड्स उस पर वर्क नहीं करेंगे प्रॉपरली। तो अभी उसी कैलकुलेटर को यूज करो जो आप आगे लेके जाने वाले हो। ओके, डन। बताओ जी क्या क्या आपके आंसर्स आ रहे हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो, फर्स्ट पार्ट दैट इज हाउ मच सैलरी टू बी चार्ज टू पी एंड एल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। 4 लाख, 34,20,000। ऑल राइट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ओके, किसी का इसके अलावा कोई आंसर, या किसी को कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया, या क्वेश्चन समझ नहीं आया, और कॉन्सेप्ट सारे समझ आ चुके थे, तो आओ इसको फटाफट से देखते हैं। मुझे बताओ अगर मैं 31 दिसंबर 2016 की बात करूं तो मेरे पास कितना स्टाफ है? क्या मेरे पास खाली वर्कर्स हैं, ट्रेनी भी आ चुके हैं? तो वर्कर्स की अलग कैलकुलेशन करेंगे और ट्रेनी की अलग। इससे हमको फर्क नहीं पड़ता कि कितने पैसे हमने हमने पे कर दिए, हमको फर्क पड़ता है कितने हमें एक्चुअल में पे करने थे। बताओ वर्कर्स की कितनी क्वांटिटी है, ट्रेनी की कितनी क्वांटिटी है? क्वांटिटी लिख ली पहले हमने। वर्कर्स को कितनी सैलरी देते हैं हम? इस साल से तो 33 है। और ट्रेनी को कितनी सैलरी देते हैं? 21,000। अब फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने 12 में से 11 महीने की दी है कि 13 महीने की दी है कि नहीं दी। अगर ये दोनों पूरे पूरे साल रहे हैं तो इनकी सैलरी पूरे पूरे साल की बनती है। लेकिन 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 ट्रेनी कब आए हैं? जुलाई में। तो क्या इनको 12 महीने की सैलरी मिलेगी? नो। कितने महीने की मिलेगी?
कब आई है? 9 महीने कैसे हो गया? फर्स्ट कैलेंडर ईयर है ना, फाइनेंशियल ईयर तो है ही नहीं। कितना हो गया? 2nd पार्ट, ये तो आपके पी एंड एल में डेबिट हो जाएगा। 2nd पार्ट, कितना एक्चुअल में पे किया आपने? वर्कर्स की बात करें तो उन्होंने बोला 1 महीने की सैलरी अगले महीने की पहली तारीख को पे होती है। किसी महीने की सैलरी अगले महीने की पहले मंथ की पहली डेट को पे होती है। तो अगर इस बार वर्कर्स ने जनवरी से लेकर दिसंबर तक काम किया है तो क्या दिसंबर मंथ की सैलरी उसको पे हो गई होगी? जनवरी में हुई होगी। ऐसे ही जो पिछले साल के दिसंबर मंथ की सैलरी है वो भी इसको इस साल में जनवरी में हमने पे करी होगी। लेकिन दोनों सिनेरियोस के अंदर सैलरीज के अमाउंट में डिफरेंस था। पिछले साल जो सैलरी का अमाउंट था वो कितना था और अब कितना है? तो इनको 1 महीने की तो मिलेगी पिछले साल की दिसंबर वाली 30,000 रुपए और 11 महीने की हम पे करेंगे 33 वाली। तो बताओ जी कितना हो गया? 8 वर्कर्स लेंगे 30,000 वाली सैलरी 1 महीने के लिए और 8 वर्कर्स ही लेंगे 33,000 वाली सैलरी 11 महीने के लिए। ये हो गया 2,40,000 और ये कितना हो गया? 29,4,000 04,000 ना। तो आ रहे हैं ट्रेनी, कहां भाग जाएंगे ट्रेनी? अभी आपको भी ट्रेनी बनना है 1 साल बाद। 1 साल बाद भी क्यों? हाँ 1 साल तो लग ही जाएगा, बिकॉज अभी आप जून में फाउंडेशन क्वालिफाई करोगे, फिर आपका इंटरमीडिएट होगा नेक्स्ट ईयर मई के अंदर, तो 1.25 साल का तो अभी आपका भी पीरियड है, फिर आप भी ट्रेनी हो जाओगे। अब ये मत पूछना सर हमको भी क्या इतने रुपए मिलेंगे, इसमें से एक जीरो हटा दो, ठीक लग रहे हैं? उतने तो मिनिमम मिलेंगे, जीरो अगर आप हटा दोगे, बाकी आपके टैलेंट पे बेस्ड आपको कितने भी मिल सकते। तो बताओ जी ट्रेनी को कितने अमाउंट हम यहां पर पे करेंगे? 2 ट्रेनी आए इंटू 5 मंथ, 6 मंथ इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज 6 मंथ का तो उन्हें अमाउंट नेक्स्ट वाले ईयर की 1st मंथ में मिलेगा। तो कितना आ गया? तो 5 × 10 = 2, 10 ही हो गया ना। और टोटल फिर पेमेंट कितनी हो गई? 30,000। और लास्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही सिंपल था, आप आउटस्टैंडिंग बता दो कितने, यही पूछ रहे थे ना वो। आउटस्टैंडिंग ये तो बहुत ही सिंपल है, यही तो हम बार बार बात कर रहे हैं। 1 महीने का तो सबका आउटस्टैंडिंग है, वर्कर्स का 1 महीने का 30,000 वाला आउटस्टैंडिंग है कि 33 वाला? 33 वाला 1 महीना, और ये भी पता हूं कौन सा है, दिसंबर वाला मंथ। तो कितने हो गए? 2,64,000। और ट्रेनिंग का क्या क्या पेंडिंग है? 2 ट्रेनीज 21,000, इनका भी दिसंबर मंथ वाली सैलरी जो है इनकी वो अभी तक पेड नहीं हुई। टोटल 3,06,000, दैट्स इट। तो हमने आज की क्लास में क्या करा, हमने आज की क्लास में सारी की सारी एडजस्टमेंट्स कर ली, ओवरव्यू रिवीजन सब चीजें हो गई। साथ में हमने ये दो एक अलग तरीके के क्वेश्चन जो फाइनल अकाउंट बेस के तो नहीं होते डायरेक्टली बट कुछ एनालिटिकल बेस के क्वेश्चन है, ये भी हमने ट्राई करे। अब आपका होमवर्क क्या है या आपको क्या पढ़ के आना है जिससे आप इन क्लासेस का बेस्ट यूज ले पाओगे, ये सारी एडजस्टमेंट पे आपको बहुत अच्छे से अपनी ग्रिप बनानी है जिससे कि नेक्स्ट क्लास में जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन की तरफ आएंगे, क्योंकि फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑलवेज टेक टाइम, तो वो बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे,
तो वो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं चाहता हूं आपका कॉन्फिडेंस उसी में बिल्डअप हो, और वो हम क्लास में ही करेंगे, तो उसके लिए आप प्रैक्टिस करके आओ। फाइन, कुछ क्वेश्चंस तो बुक में भी हैं, वो भी कर सकते हो, अदरवाइज मैं अदर देन बुक आपको कुछ क्वेश्चंस क्लास में कराऊंगा जो प्योरली एडजस्टमेंट पे बेस्ड होंगे, तो एडजस्टमेंट पे ग्रिप होगी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बी रेगुलर इन क्लासेस, जहां छुट्टी करोगे वहीं आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा।